सोचो क्या हालचाल आपके, कैसे हैं आप। देखो आज हमें बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस की शुरुआत करनी है जिसका नाम है एस 11, यानी कि द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब हम अपनी कंट्री में काम करते हुए किसी और कंट्री से कोई लेन देन करते हैं, बाहर की कंट्री से कोई परचेज करना, कोई सेल करना, कोई मशीन लेना, कोई लोन लेना, किसी को रेंट पे करना, सैलरी पे करना, या फिर बाहर में कोई हमारा ऑपरेशन ही चल रहा है, हमने कोई ब्रांच स्टार्ट किया बाहर में, कोई ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया हुआ है, या फिर हमने कोई बाहर की कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इनकी अकाउंटिंग हमारे कंट्री में कैसे होगी, उनके बारे में एएस 11 आपको डील करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एएस है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए आपका। मैंने क्या करना कि जितने इस एएस 11 के अंदर में थ्योरीज हैं उनको समझाने के लिए मैंने प्रैक्टिकली आपको कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हुए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ साथ लिखूंगा यहाँ पे, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मेरी बुक में है, हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। अल्टीमेट मोटिव, जब हमारा एएस खत्म होगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे थ्योरी चाहे प्रैक्टिकल, उन सबको हम प्रॉपर तरीके से सोल्व कर जाए। एक बात और, मैं क्लास में जो नोट्स आपको लिखाऊंगा ये कुछ इस तरीके से लिखाऊंगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। नो डाउट कि मेरी बुक के अंदर में भी बातें हैं, लेकिन बुक से आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, किस चीज के लिए, वो मैं आपको साथ साथ क्लास में लिखाऊंगा। मतलब लिखना और पढ़ना समझना दोनों साथ साथ होगा। तो आओ जरा पहले मैं एएस 11 के अंदर में आपको बताऊं यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड का मतलब कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ये बातें जो मैं लिख रहा हूँ ये एएस 11 में नहीं लिखा बच्चे, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद एएस 11 की सारी बातों की शुरुआत करूंगा। पहला लिखेंगे आप यहाँ पे इसकी आपका अकाउंटिंग, लिखेंगे आप अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन्स। फॉरेन कंट्री से कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी हमारी। फिर दूसरा आपका अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन नॉन इंटेग्रल ऑपरेशन। सर ये क्या होता है, बस आप थोड़ा अपने संयम को बांध कर रखो, चलने दो मुझे, जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा लिखिए आप यहां पे अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन इंटेग्रल ऑपरेशन। और इसके बाद चौथा यहां पे अकाउंटिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इनके बारे में भी सीखेंगे। तो मेनली अगर देखा जाए तो एएस 11 जो है इन चार बातों पे टिका है, इन चार बातों की अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट और कैसे क्या क्या करना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर बच्चे मैं पहले शुरुआत करता हूँ इसके थ्योरी के साथ और फिर इनके साथ लेके चलूंगा। ध्यान से सुनना, थोड़ा समय बताऊं। फॉरेन ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि इंडिया में आप काम कर रहे हो और आप बाहर की किसी कंट्री से कोई लेन देन करो, वहां बिजनेस नहीं, कुछ मशीन परचेज किया, कुछ बिल्डिंग परचेज किया, माफ कीजिए, कुछ आपने इक्विपमेंट परचेज किया, कुछ आपने आप बाहर की कंट्री में कोई इम्प्लॉय जिसको आपने सैलरी पे किया, बहुत सारी बातें हो सकती है, कोई बाहर की कंट्री से लोन लिया आपने, तो इनकी अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा हम उसको यहां सीखेंगे। नॉन इंटेग्रल ऑपरेशन एंड इंटेग्रल। इंटेग्रल का मतलब होता है, मैं ऐसे डिटेल में आगे बढ़ूंगा, कि जब मैं इंडिया में रहते हुए मैंने एक ब्रांच कहीं इंडिया से बाहर खोला हुआ है और वो बाहर जो ब्रांच खुला हुआ है उसका मैक्सिमम जो डीलिंग्स है, जो कंट्रोल है, वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। हमने कुछ यहां से परचेज करके वहां पे दिया, कुछ मशीन वहां पे परचेज किया, वहां के इम्प्लॉय को पेमेंट मैंने यहां से किया, वहां के जो आपके लोगों को कमीशन पे करना मैंने यहां से पे किया, गुड्स मैंने यहां से सेंड किया, मतलब जो इंटेग्रल है मेरे साथ जुड़ा हुआ है लेन देन में। एंड नॉन इंटेग्रल का मतलब होता है जो अपना काम इंडिया से बाहर, मान लो अमेरिका में कोई मेरा एक आपका ऑफिस है, वो कोई ब्रांच है जो अपने आप सारा काम कर रहा है, मुझसे उसका कोई लेन देन नहीं है। तो इन सबकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि यहां पे सब जगह फॉरेन एक्सचेंज वर्ल्ड होगा, हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए जरा शुरू करता हूं मैं इसको, इसको लेकर मैं कुछ लिखाऊंगा, मैंने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके लिखे हैं ताकि एग्जाम में क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो बातें आपको समझ में आए और इन्हीं बातों को प्रैक्टिकली हम समझेंगे ताकि हमारा इस एस पे पूरा कमांड हो। ये ध्यान रखना, ये बातें एस 11 में लिखा हुआ, ये तो मैंने अलग से लिख दिया,
अब शुरू करेंगे आप मेरे साथ. लिखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर वन, पहला पॉइंट इसके अंदर में लिखेंगे एस इलेवन, साथ साथ लिखना है ना आगे ना पीछे, एस इलेवन डील्स विथ, कहता है कि द इश्यू इन्वॉल्व्ड इन अकाउंटिंग फॉर, इन अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस. ये देखो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस आपका ये हो गया. एंड कहता है एंड फॉरेन ऑपरेशन मतलब इंडिया से बाहर कुछ अगर ऑपरेशन यानी कि काम ही कर रहे हो आप, है ना, तो बाहर ऑपरेशन क्या, या तो वो इंटेग्रल होगा या फिर नॉन इंटेग्रल होगा, हम इसके बारे में आगे भी देखेंगे. लिखेंगे अब यहां पे दैट इज टू डिसाइड. एस इलेवन क्या करता है जी, टू डिसाइड, ये डिसाइड करता है, टू डिसाइड विच एक्सचेंज रेट टू यूज and how to recognize the financial effects साथ साथ लिखना बच्चे of changes in exchange rates in the financial statements. सर ये क्या है, इसी पे पूरा एस चलेगा, अभी बताऊंगा मैं. पहले प्रैक्टिकली इन बातों को आपको समझा दूं, उसके बाद मैं इसको लेकर आऊंगा. लिखेंगे यहां पे आपका इसके बाद स्कोप. नंबर टू में लिखे आप यहां पे स्कोप. स्कोप का मतलब कि आपका ये एस जो है वो कहां तक, इसमें क्या क्या है, कहां तक इसके दायरे हैं. लिखना this should be applied नंबर ए कहां जी, इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन करेंसी. जो ट्रांजेक्शंस आप फॉरेन करेंसीज में करते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होगा, वो इस एस इलेवन के स्कोप है, मतलब दायरा जो आपको समझाएगा. यही नहीं, ये समझाएगा इन ट्रांसलेटिंग, एग्जाम में स्कोप अगर आ गया तो हमें ये लिखना होगा, इन ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, जो आपके ब्रांचेस चाहे आपके ज्वाइंट वेंचर चाहे कंसाइनमेंट चाहे एसोसिएट्स जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, वो अपना उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी करेंसी में बनाया होगा, तो उसको हम इंडिया में जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम उनके बारे में भी सीखेंगे इस एस इलेवन के अंदर में आपका, ठीक है ना. फिर लिखेंगे आप यहां पे नंबर सी, ये कुछ नया चीज हुआ क्या, स्कोप क्या हुआ जी, इनका रिकॉर्डिंग कैसे होगा. और तीसरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट, लिखिए it also deals with accounting for foreign currency. साथ साथ लिखना अपने आगे पीछे नहीं, फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर दो आप एक्सचेंज
सर ये क्या होता है मैं सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा सब्र कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे दायरा निकल गया। चलिए अब मैं शुरू करता हूं, अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको कुछ इन बातों को समझाने के लिए प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, आप इसकी कॉपी कर लो। पहले मैं शुरुआत करता हूं अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन, है ना, फॉरेन ट्रांजेक्शन यानी कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन आपका, आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ यहाँ पे, आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, लिखेंगे डिटेल डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन रिगार्डिंग 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 फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। बहुत ध्यान से एक बात सुनना, एक्चुअली देखा गया है कि बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं। पहले इस एस को पढ़ते समय हमें इस बात को समझना होगा कि एक्चुअली में अभी हम किस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, क्या हम किसी एक ऐसे ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं, कोई एक ऐसा आपका मेरा सब्सिडरी कंपनी की स्टडी हो रहा है जो इंडिया से बाहर आपका है, नहीं मेरे बच्चे, यहां पे आप कोई भी बाहर में ब्रांच अभी नहीं चला रहे इस टॉपिक के अंदर में, कोई भी बाहर में आपका कोई एजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप क्या कर रहे हो इंडिया से रह के काम कर रहे हो। अगर इंडिया से बाहर कुछ जो आपके कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई मैं सामान परचेज करता हूं, कोई मशीन परचेज करता हूं, कोई रेंट पे करता हूं, कोई सैलरी, हो सकता है कि जो जिस बिल्डिंग में मैं यहां पे काम कर रहा हूं उसका ओनर क्या है इंडिया से बाहर है, और अगर वो इंडिया से बाहर है तो वो कह सकता है कि भैया रेंट हमें क्या करो, आप हमारी करेंसी में पे करो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में हमें यहां पर देखना होगा कि जो ऑपरेशन हमने आपका इंडिया में रहकर इंडिया में रहकर जो ट्रांजेक्शन हमने इंडिया से बाहर किया, हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं, ये जो अकाउंटिंग है ना, लिखिए मेरे साथ इसके अंदर में नोट नंबर वन, नोट नंबर वन लिखना, अकाउंटिंग अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इज स्टडीड इन टू पार्ट्स। हम इसको दो पार्ट में करके स्टडी करेंगे, दो पार्ट में। नंबर ए पहला लिखेंगे आप यहां पे इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है, लिखिए आगे, इट मींस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शंस ऑन एक्चुअल डेट ऑफ हैपनिंग, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुआ, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया, उस दिन पे जब हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उस दिन पे हम अब कैसे रिकॉर्डिंग्स करेंगे वो हम पढ़ेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर में। और मेरे बच्चे सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे सबसिक्वेंट सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन। सर ये क्या है, बस लिखते चलो, मैंने कहा है ना, ये अभी मेरा पूरा टाइम खत्म होने दो, जब ये एस खत्म होंगे तो सारे इफ और खत्म, दुनिया का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब इट मींस, इसका मतलब है इट मींस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी मतलब रुपीज, एट द एंड ऑफ ईयर और ऑन डेट ऑफ प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, जिस दिन पे हम बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उस दिन पे उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो सब्सिक्वेंट होगा। इट मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन इंडियन करेंसी कर दो पहले, इन रुपीज सिंपली ऑन एक्चुअल डेट ऑफ हैपनिंग। चलिए मैं इनको समझाता हूं आखिर क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर रेडी करता हूं। एग्जाम्पल नंबर वन मेरे साथ शुरू कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि एक साल के अंदर मान लो मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग 2020 कोई भी ईयर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है,
2020 में अगर मान लो मैंने कुछ फॉरेन ट्रांजेक्शन्स किए हैं, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स, तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा? पहले मैं बताऊं यहाँ पे कि जैसे आपका ले लीजिए ड्यूरिंग 2020 कहता है कि 15th जनवरी को, मेरे साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे, 15 जनवरी को कहता है कि आपका यहाँ पे 15 जनवरी को कहता है आपका परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया। फॉर कहता है कि आपका यूएस डॉलर 10,000, जब मैंने यूएस डॉलर में कह दिया यानी कि फॉरेन करेंसी में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बाहर से आपने गुड्स परचेज किया, इस तरह का परचेज किया, कहता है कि उस दिन पे जिस दिन आपने परचेज किया, कहता है कि आपका एक यूएस डॉलर जो था इट वॉज इक्वल टू ₹70, है ना, मतलब रेट जो चला था मेरे बच्चे, आपने क्योंकि पेमेंट जब आपने किया होगा तो उस दिन पे आपने देखा कि एक यूएस डॉलर जो है वो आपको ₹70 में मिला था। फिर कहता है यहाँ पे 17th फरवरी को कहता है कि आपने यहाँ पे रेंट पे किया है, रेंट पेड, हो सकता है कि हमारा जो यहाँ बिल्डिंग जो ऑनर रखा है वो हमारे इंडिया से बाहर रहता है, बोलता है कि भैया हमें तो पेमेंट आपका फॉरेन करेंसी में चाहिए, रेंट पेड, कहता है कि फॉर आपका यूएस डॉलर 1000। और जब आपने पे किया तो कहता है कि उस दिन जो आपका एक यूएस डॉलर था, एक यूएस डॉलर वो आपका ₹70.50 बढ़ गया, है ना, बढ़ गया घट गया कुछ भी हो सकता है जी, क्या दिक्कत है। फिर 20th मार्च को कहता है, 20th मार्च को आपने सैलरी पे किया है, सैलरी पेड, कोई बाहर आपका एम्प्लॉय था उसको सैलरी पे करना पड़ा फॉरेन करेंसी में, कहता है सैलरी पेड आपका यूएस डॉलर मान लो 500, है ना, और जिस दिन आपने पे किया उस दिन कहता है कि एक यूएस डॉलर जो है, एक यूएस डॉलर वो आपका ₹71 का था, ठीक है ना। फिर कहता है कि आपका यहाँ पे 30th अप्रैल को ये कहता है कि हमने एक मशीन परचेज किया, हमने एक मशीन परचेज किया है जी, और ये जो मशीन परचेज किया है कहता है कि ये आपका यूएस डॉलर 5000, या चलो 2000, ज्यादा ना हो जाए ऐसे लिख रहा हूं, $2000 में आपने परचेज किया, जिस दिन आपने परचेज किया कहता है कि एक यूएस डॉलर जो है वो आपका ₹70.25 का था। जरूरी नहीं कि रेट रोज वेरी ही करेंगे, बट मान लो रेट वेरी किए हैं ताकि हम उसी को प्रॉपर तरीके से समझें। और फिर मेरे बच्चे कहता है यहाँ पे 30th अप्रैल के बाद मान लो 1st जुलाई को कहता है कि बैंक लोन अरेस्ट, हमने एक बैंक लोन लिया है और जो बैंक लोन लिया है कहता है कि आपका वो यूएस डॉलर यानी कि बाहर के बैंक से लोन लिया है जी 25,000, है ना, या फिर ज्यादा हो जाएगा उतना बड़ा फिगर क्या लेना, 10,000, चलो 12,000 कर देता हूँ, 12,000 आपने क्या क्या यूएस डॉलर का लिया जब लोन लिया था, उस दिन एक यूएस डॉलर जो था मेरे बच्चे वो कहता है कि आपका यहाँ पे ₹74 का था, ठीक है ना, ये निकल के आ रहा है। तो हमने गुड्स पर चलो सेल भी ले लेते हैं 1st जुलाई। फिर कहता है 15th अगस्त को कहता है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कहता है कि आपका यूएस डॉलर मतलब कस्टमर बाहर आ होगा $15,000 में बेचा, और उस दिन एक यूएस डॉलर की जो कीमत थी आपका वो कहता है कि 75 थी, ठीक है ना, 75 आपका। फिर कहता है आपका 15th अगस्त के बाद मान लो आपका 20th अक्टूबर को एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कहता है कि आपका परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में परचेज किया है, और वो कहता है यूएस डॉलर आपका 5000, उस दिन कहता है कि एक यूएस डॉलर जो आपका है उसका रेट आपका ₹70 था, मतलब बढ़ना घटना हो सकता है। कहता है कि आपका मेक जर्नल एंट्रीज, हमने यहाँ पे एंट्रीज करना है, मेक जर्नल एंट्री फॉर या फिर अंडर इनिशियल रिकॉग्निशन,
जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा उसके अंदर में कहता है कि आप इसकी एंट्री करके दिखाएं। इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया होता उस दिन ये आपके अकाउंट्स में यानी कि इंडियन करेंसी में, इंडियन बुक में आपने इसकी रिकॉर्डिंग कैसे किया होगा बिना किसी डाउट के। अगर हमने डॉलर में गुड्स परचेज किया है मेरे बच्चे डॉलर में, तो हमारे इंडिया में उसकी रिकॉर्डिंग डॉलर में तो होगी नहीं। हम लोग जब इंडिया में है तो हमारा जो करेंसी है वो आपका रुपीज है, हमें इनको क्या करना होगा, रुपीज में रिकॉर्ड करना होगा, यही काम करते हैं ना। तो आओ ना मैं शुरू करता हूँ, इनको मैं मिटाता हूँ और मैं यहीं पे आपको आंसर दिखाता हूँ। ये लीजिए, मैं आपको फॉरेन ऑपरेशन जो आप सॉरी फॉरेन ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उनके बारे में। सर इंडिया में भी तो ट्रांजेक्शन हुए होंगे? हाँ बच्चे, इंडिया में भी गुड्स परचेज किया होगा, रेंट पे किया होगा, सेल किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, बट हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उन्हीं बातों को यहाँ रिकॉर्ड किया जो फॉरेन करेंसी में अपने ट्रांजेक्शन किया होगा। सुनो मेरी बात, मैं सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन ने आपसे जनरल एंट्रीज मांगा है, तो मैं जनरल एंट्रीज यहाँ पे बना रहा हूँ अंडर इनिशियल रिकॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनिशियल रिकॉग्निशन में हम इसकी एंट्री पास कर रहे हैं, है ना, मतलब जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन की रिकॉर्डिंग। देखो 15th जनवरी को हम क्या करेंगे, आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, नॉर्मल एंट्री। आप जानते हैं जब गुड्स परचेज किया तो हमने कहा होगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, है ना, जब गुड्स परचेज किया तो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड। एंड टू, आपका फॉरेन सप्लायर या फॉरेन क्रिएटर्स या फिर टू क्रिएटर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री का रूल तो हमारा जो नॉर्मल है वही चलेगा जी, परचेज टू क्रिएट आपका कितना हो जाएगा, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग आपका 10,000 × 70 करना होगा, यानी कि आपका जो रिकॉर्डिंग होगा वो $10,000 × 70, उस दिन हमने 70 तो पे किया होगा। इस डॉलर को आपका अगर हमें क्या बोलते हैं, अगर पेमेंट करना पड़ता तो हम क्या 70 के हिसाब से करते, तो हमारा कहता कितना हो गया जी, 7 लाख रुपीज का अमाउंट। ये आप यहां पे एंट्री 7 लाख, जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन हमारे कंट्री में जो एक्सचेंज रेट था हम उसी रेट से इसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा हमें AS11 कहता है। फिर अगला एंट्री आपका 17 फरवरी का, कहता है कि हमने रेंट पे किया, तो मेरे बच्चे रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, और पे किया मैं टू कैश लिखता, बट अच्छा होगा टू बैंक लिखो। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया से बाहर आप जो पेमेंट करोगे वो कैश में तो होगा नहीं, आपके बैंक से ही करना होगा। तो हमने कितना जी, आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाय आपका 70.50, तो बताओ चले कितना आपका आ गया जी, 1000 × 70.5 आपका अमाउंट आ गया 70,500 का, है ना। वी आर मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आपका कंपनी एंड दिस इज अंडर द इनिशियल रिकॉग्निशन आपका, है ना, इन इंडियन करेंसी, ठीक है। फिर 20th मार्च को हमने क्या किया, 20th मार्च को हमने सैलरी पे किया, मेरे बच्चे सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड एंड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जरा बताओ सैलरी टू बैंक हमारा कितना हो जाएगा, तो 500 × ये हो गया 500 × 71, बताओ कितना हो जाएगा, तो 500 × आपका 71, ये आपका 35,000, है ना बच्चे, 35,000 आपका निकल के आया। 20th मार्च के बाद अगली एंट्री हमारी कब होगी, 30th अप्रैल को, तो आपका मशीन परचेज किया हमने, यानी कि मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड, और ये मानते हुए कि आपने कैश में परचेज किया होगा यानी कि टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो कह नहीं रहा कि क्रेडिट पे आपने लिया है, $2,000 के मिले आपको, तो हमने क्या किया 2000 × आज रेट हमारा कितना है जी 70.25। तो जरा बताओ कितने का हमने मशीन परचेज किया, 2000 × 70.25, ये अमाउंट निकल के आ गया 1,40,500, लिखो ना 1,40,500। फिर आपका अगला 1st जुलाई आया, 1st जुलाई को हम लोगों ने क्या किया जी, बैंक लोन लिया है मेरे बच्चे। जब बैंक लोन लेंगे तो एक तो हमारा बैंक बढ़ेगा, बैंक, और बैंक लोन यानी कि टू बैंक लोन, यानी कि हमने लायबिलिटी हम अपनी बढ़ा दी। जरा सोचो बैंक से जो लोन लिया आपका $12,000, तो हमें वो $12,000 के बदले में 74 के हिसाब से रेट 74 था ना ये सर, तो कितना हो जाएगा 12,000 × 74, ये हमारे पास 8,88,000 रुपीज हमें यहाँ पे लोन के रूप में मिले होंगे, और लायबिलिटी हमारी 8,88,000 की हो गई होगी,
ठीक है ना, 1 जुलाई के बाद फिर आपका आ गया 15 अगस्त, 15 अगस्त आपका कहता कि 15 अगस्त को आपने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मेरे बच्चे हमने सेल किया है क्रेडिट पे, तो हमारे जो फॉरेन डेटर्स हैं, फॉरेन डेटर्स वो हमारे बड़े होंगे, क्रेडिट पे लिया ना टू आपका सेल्स अकाउंट, मुझे बताइए आपने कितने गुड्स बेचे हैं। कहता है कि सर $15,000 का, तो 15,000 into 75 ये आ गया 11,25,000, 11,25,000 लिखो ना, 11,25,000 ये कितना आ गया आपका 15,000 और मल्टीप्लाइड बाय 75, कोई डाउट नहीं सर। फिर इसके बाद आपका आ गया 20th October, समझो आपने परचेज किया गुड्स कैश पे, तो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, हमने परचेजेज अकाउंट डेबिट किया एंड टू कैश यानी कि टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट। जरा बताओ कितना अमाउंट बन गया आपका परचेज गुड्स आपने किया $5,000 का जी, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय आपका 70, ये आ गया 3,50,000, 350, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो ये आपका क्या निकल के आ गया जी 5,000, ये 5,000 इंटू आपका 70, तो ये हमने क्या किया इनिशियल रिकॉग्निशन किया, है ना, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था उस दिन हमने अपने बुक में रिकॉर्ड किया। मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई पूछता है आपसे, लिखेंगे यहां पे इतने करने के बाद नोट, नोट हम इनिशियल जो रिकॉग्निशन होता है लिखेंगे, ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस ये जो ट्रांजेक्शंस आपने किया अंडर अंडर इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशंस, रिकॉग्निशंस आर रिकॉर्डेड, आर रिकॉर्डेड एट, कहता है कि आप यहां पे स्पॉट रेट, इसको स्पॉट रेट भी कहते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं जी स्पॉट रेट की जगह पे हिस्टोरिकल रेट भी कह सकते हैं। हिस्टोरिकल रेट का मतलब होता है जिस दिन हमने वो ट्रांजेक्शन किया उस दिन पे रिकॉर्ड करना, स्पॉट रेट का भी मतलब सेम होता है मेरे बच्चे। तो या फिर इसको कह दे कि एक्चुअल रेट, आपका एक्चुअल एक्सचेंज रेट, मतलब कुछ भी नाम लो, कुछ भी नाम लो, मीनिंग आपका सेम निकल के आता है। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर एग्जाम में आपका निकल के आया यहां पे आपका इनिशियल रिकॉग्निशन में एंट्री करो इस तरीके से, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, ये नोट नंबर 1 होता है मेरे बच्चे। अब मैं आपको इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन दिखाना चाहता हूं। इमेजिन करो पूरे साल में बहुत सारे लाखों ट्रांजेक्शन हुए होंगे, कुछ इंडिया में कुछ इंडिया से बाहर, जो ट्रांजेक्शन्स इंडिया से बाहर हुए होंगे उस दिन पे आपने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की होंगी, वो रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको यहां पे बता दिया। मेरे प्यारे बच्चों अब साल का एंड आ गया और इस साल के एंड में हमें क्या करना है कि एक आपका ट्रायल बैलेंस बनाना है, हमें साल के एंड में क्या करना है एक ट्रायल बैलेंस बनाना है और उस ट्रायल बैलेंस से फिर हम आगे क्या करेंगे अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो आपका बैलेंस शीट हमें उसको बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस में इनसे जुड़े हुए जो आइटम्स हैं वो कितने पर दिखाए जाएंगे ये हमारा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर में डिफाइन करता है AS 11। वो क्या कहता है मैं आपको बताऊं फिर उस पर नोट लिखाऊंगा, अगर आप मुझे अनुमति दो तो मैं इसको मिटा दूं, अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर चुका हूं, या फिर कहो तो मैं यहां पे इन सबको हटाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये लीजिए अभी आपका यहां पे मैं इसको खत्म करता हूं और इस क्वेश्चन में मैं अब आपको क्या करता हूं एक एग्जाम्पल नंबर 2 लिखता हूं। लिखिए मेरे साथ यहां पे एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था मेरे बच्चे, अब लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 2, लिखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 2। कहता है कि आपका प्रिपेयर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस इन एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 अंडर अंडर सबसिक्वेंट सबसिक्वेंट अंडर सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन। मैं एक बात आपको बता दूं इसका मतलब है और ये पता नहीं लिखाने के भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पूछे कि यार सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या ये इसी एंट्रीज के बाद बनेगा मतलब साल के बीच में, ना 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 ना
subsequent recognition tab hum record karte when we are going to prepare our financial statement, that is at the end of year. Ya to is saal ke end mein ya phir jitne bhi saal ke end mein, matlab saal ke end mein jo hum aapka balance sheet profit loss jis din banana hota hai, hum us din kya karte hain, ye isko recognize karte hain mere bachche. To prepare trial balance in example number 1 under subsequent question as on आपका 31st December 2020. मान लो साल का एंडिंग 31st December को होता है, ड्यूरिंग 2020 लिखा था, तो मान लो ये, तो हमने क्या किया जी, इस दिन पे हम आपको दिखाएंगे कैसे करेंगे. और हाँ, उस केस में कहता है कि एक्सचेंज रेट, एक क्वेश्चन में आपको पक्का बताएगा एक्सचेंज रेट एज ऑन 31st December 2020, मतलब साल के एंड में जो एक्सचेंज रेट है वो कहता है ₹76 पर US डॉलर. ये हो गया आपका, हो सकता है बढ़ गया घट गया सिम रहा फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे. तो आपको सर ये क्यों बता रहा, अरे ठहरो तो पहले आप लिख लो यहाँ पे. मैंने कहा ना, जितने भी इसकी थ्योरी है, जितने भी बातें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है ताकि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, उन्हीं बातों को पहले प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं, फिर हम उसको धीरे धीरे लिखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इस पे कमांड करेंगे, इतना विश्वास दिलाता हूं. मेरे एस 11 में आई थिंक 3 लेक्चर्स होंगे, एग्जैक्टली भी नहीं पता क्योंकि पहली क्लास है, तो 3 होने के चांसेज हैं. जब भी एस 11 मेरा एंड होगा ना, जब एंड होगा, आपके अंदर में ऐसी ऐसी शक्तियां आ जाएंगी कि इंडिया से बाहर भी, क्योंकि एस 11 फॉरेन की बात कर रहा हूं, वहां भी जो लोग होंगे ना वो आपसे कांपेंगे. एक बार उनके कान में अगर नाम चला गया आपका, तो पता नहीं उनके अंदर में कैसी कंपन शुरू हो जाएगी. वो शक्तियां मैं आपको एस 11 की आपके अंदर डालना चाहता हूं, तो बस सुनते चलो मेरी बात और कुछ नहीं. कहता कि ट्रायल बैलेंस बनाओ. क्या आपको ट्रायल बैलेंस नहीं आता? क्या आता है सर, कैसे बनता है, ये लो आपका फॉर्मेट. मैं इसको थोड़ा कम कर दूं, मुझे एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, बट एनीवे भी छोड़ देता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं. और ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस. इस ट्रायल बैलेंस में मैं यहां पे क्या करूंगा जी, दो कॉलम बनाऊंगा, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट आपका. अब इस ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या करना है, जो नाम निकल के आया ना इस एंट्री से उनको लिख दो. नाम क्या क्या निकल के आया जी, एक तो परचेजेस निकल के आया, तो लिख दो यहां पे परचेजेज. अभी नाम अमाउंट कितना होगा बाद में, परचेज लिखो पहले अब यहाँ पे. फिर क्या देखा जी, फॉरेन क्रिएटर्स, तो आप फॉरेन क्रिएटर्स लिख दो, क्रिएटर्स आपकी मर्जी. चलो मैं यहाँ पे इस बात को बताने के लिए कि क्रिएटर्स इंडिया से बाहर के हैं जिनको हमें फॉरेन करेंसी में पे करना है, हमने उसका भी नाम लिख दिया. फिर रेंट आपका यहाँ पे, ये हमारा रेंट निकल के आ रहा है. बैंक हमारा हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, बैंक लिखा आपका, ये बैंक हमारे पास निकल के आ गया. इसके बाद हमारे पास क्या निकल कर रहा है, बैंक के बाद फिर सैलरी का नाम है, आप यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, लिखिए मेरे साथ सैलरी का नाम. फिर आपका बैंक आया, बैंक में चला जाएगा. मशीन, ये हमने यहाँ पे लिखा जी, मशीन जो परचेज किया था वो आपका नाम. बैंक तो बैंक में चला गया, बैंक बैंक में, बैंक लोन, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये आपका बैंक लोन है, बैंक लोन. फिर आपका फॉरेन डेटर्स, फॉरेन डेटर्स यानी कि बाहर के वो लोग जिनका अभी, जिनसे हमें पेमेंट लेना है, फॉरेन डेटर्स हमारे हो गए. सेल्स नाम लिखा अभी तक नहीं सर, तो सेल्स मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं मिटाते चलो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट अब रही नहीं. तो जितने नाम हमारे पास यहां दिख रहे हैं ना, मैं उनको बस रिकॉर्ड कर रहा हूं, सेल्स. फिर परचेज, वो तो हो गया. फिर आपका बैंक, बैंक भी चला गया. कोई और नाम नहीं सर, बस इतनी बात है मेरे बच्चे. एस 11 हमें कहता है कि जब इनको हम ट्रायल बैलेंस के दिन पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रायल बैलेंस के दिन पे, तो फिर इनके रिकॉर्डिंग्स कैसे होंगी, इनके रिकॉर्डिंग्स कैसे होगी. मैं आपको ना दो तरीके का मार्कर उठाता हूं, एक रेड और एक ये. मैं खुद आपको पहले लॉजिकली समझाता हूं, लॉजिकली, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. क्योंकि एस 11 ऐसा नहीं कि हवा में बैठे और हमने देखा कि यार कोई भगवान वहां से आ रहे, उनको प्रणाम किया और एस बन के तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं. लॉजिक पे काम किया गया होगा, तो वो लॉजिक क्या था मैं आपको बताता हूं. कहा गया कि देखो जी, ट्रायल बैलेंस के दिन आप अगर मान लो इन आइटम्स को अपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जिनको भी आज के दिन पे जिनको भी हमें क्या करना है जी, कि जिनके अगेंस्ट कुछ पैसा रिसीव करना है या जिनके अगेंस्ट हमें कुछ पे करना है, दोबारा सुनिए. कहते हैं कि साल के एंड में, यानी कि जिस दिन आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, उस दिन आपके ट्रायल बैलेंस में जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ आइटम है, और अगर साल के एंड में वो या तो आपका एसेट्स है या फिर लायबिलिटी है,
क्या बोला हमने, या तो वो एसेट्स है या लाइबिलिटी है, और उस दिन या उस दिन के बाद, या तो उस दिन मतलब जिस दिन आप यहां पे ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उस दिन, या उस दिन के बाद उनसे पैसा लेना है या उनको पैसा देना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, लिखना नहीं, हमने कहा कि देखो जी एंड में, यानी कि एंड का मतलब हो गया, एंड का मतलब कि ऑन ट्रायल बैलेंस डेट, जिस दिन ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, अगर वो आइटम कोई हमारा एसेट है या फिर कोई लायबिलिटी है। बट कौन से एसेट्स लायबिलिटी है, तो जिन एसेट से पैसा हमें रिसीव करना है, यानी कि वो रिसीवेबल है, और अगर लायबिलिटी है तो हमें पैसा पे करना है, मतलब वो पेबल हो। कब पेबल, कब रिसीवेबल या पेबल हो, तो कहता कि ऑन द बैलेंस शीट डेट, जिस दिन हम बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस बना रहे उस दिन, और आफ्टर दैट या फिर उसके बाद, मतलब जिसका पैसा अभी हमें रिसीव करना है या फिर पे करना है। मेरे बच्चे, ऐसे ऐसे जो आपके एसेट्स लायबिलिटी है, हम उन्हें कहते हैं मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम। बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, मॉनेटरी आइटम्स का मतलब कि साल के एंड में ट्रायल बैलेंस में जितने भी नाम हम लिखने वाले हैं, अगर वो नाम कोई एसेट्स या लायबिलिटी का है और उसके अगेंस्ट या उसके, माफ कीजिए, उसके अगेंस्ट या उनसे हमें पैसा रिसीव करना है या फिर पे करना है, वो हमारे मॉनेटरी आइटम्स होंगे, जिनको मनी के टर्म में अभी पैसा लेना या देना है। इनके सिवाय, इनके सिवाय एक्सेप्ट अबव, इनको छोड़ दो मेरे बच्चे, तो जितने भी बच गए, ऑल रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, कोई एक्सपेंस हो गया, कोई आपका रेवेन्यू हो गया, है ना, कोई लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर अदर एसेट्स, अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी, बाकी के जो एसेट्स लायबिलिटी हैं। सर बाकी का मैं पहले यहां पर एग्जांपल बता दूं, इसमें कौन कौन से नाम आएंगे मॉनेटरी के अंदर में, जैसे हमारे डेटर्स हो गए, हमें अभी इनसे पैसा लेना है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए। आप लिखना नहीं, मेरी बात सुनो, चाहो तो कहीं नोट डाउन आप ही कर लो, बट इसको मैं प्रॉपर नोट में लिखाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे कि आपका बैंक लोन हो गया, हमें अभी इनका पैसा वापस करना है, जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गए, जैसे बिल्स पेबल हो गए, हमें इनसे पैसा लेना या देना है। मेरे बच्चे, ये सारे नाम क्या होते हैं आपके, मॉनेटरी आइटम्स। लेकिन जरा सोचो ना, मैं बोलता हूं आपका ऑल एक्सेप्ट अबव, इनको छोड़ के जितने भी बच गए, उन सबको मैंने नाम क्या दिया, नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। नॉन मॉनेटरी आइटम्स का मतलब हो गया, अब क्या, जितने भी एक्सपेंस होंगे, रेवेन्यू होंगे, या फिर कोई अदर एसेट्स। अब अदर एसेट्स में मैं बताऊं यहां पे क्या, जैसे कि आपका मशीन हो गया, मशीन, क्या मशीन आपका एसेट्स है क्या? सर हाँ सर, मशीन हमारा एसेट्स है। क्या इस मशीन के जो आपके, आपने लिया, क्या अब मशीन के बदले में किसी को पेमेंट करना है क्या? नहीं सर, मशीन तो हमारा है, मशीन हमारा है, हम थोड़े किसी को इसको पे करने वाले हैं। अरे मशीन जो हो गया, या फिर आपके पास स्टॉक कुछ पड़ा हुआ है, एंड में स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या जो एंड में आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उस स्टॉक के अगेंस्ट कुछ पैसा हमें बाहर वालों से कोई रिसीव या पे करना है क्या? नहीं करना। दोबारा समझो, अरे हमने कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट बाहर से परचेज किया था, अब वो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो मशीन तो हमारा है ना, हमें इंडिया में यूज करना है, उस मशीन के ऊपर किसी से कोई रिसीवेबल पेबल थोड़ा ही है। हाँ, अगर इसके अगेंस्ट कुछ वेंडर को पे करना होता तो वेंडर फिर आपका यहां पर आता, बट हम बात अभी मशीन का कर रहे हैं, समझ लो। मैं अभी दोबारा आऊंगा इसके ऊपर में, लेकिन समझने की कोशिश करो कि मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी क्या होते हैं। तो मैंने कहा, पता है क्या, ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ये क्लासिफिकेशन इसलिए होता है कि जो भी मॉनेटरी आइटम्स है ना, मॉनेटरी आइटम्स मतलब जो आज रिसीवेबल या पेबल है, हम उनको मेरे बच्चे क्लोजिंग रेट से इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस में हम उस दिन पे जो क्लोजिंग रेट होगा एक्सचेंज का, हम उस पर इसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप यहां पे, पहले मॉनेटरी आइटम्स पर जानते हैं। परचेज, ये तो हमारा एक्सपेंस है जी, परचेज, ये मॉनेटरी आइटम्स नहीं है। क्रेडिटर्स फॉरेन के, ये हमारे मॉनेटरी आइटम्स है ना, ये हमारे क्या है, मॉनेटरी आइटम्स है, ये हमारे मॉनेटरी आइटम्स है। मेरी बात समझ आ रही है? वो एसेट्स या लायबिलिटी जो रिसीवेबल या पेबल एट द एंड ऑफ ईयर है। रेंट हमारा क्या है, नॉन मॉनेटरी है, ये लिख दूं मैं शॉर्ट में, नॉन मॉनेटरी
है ना, ये भी क्या है, नॉन मॉनेटरी है। बैंक, बैंक तो हमारे पास है हमारे इंडिया में, ये थोड़ा किसी को हम इसको पैसा देना है लेना है, ये भी हमारा क्या हुआ, नॉन मॉनेटरी, माफ कीजिए मॉनेटरी, क्या बोल रहा हूं, नॉन मॉनेटरी है ना। ये भी बैंक तो हमारे इंडिया में है, अब जो पैसा मेरे बैंक में पड़ा हुआ है वो पैसा थोड़े किसी से लेना है देना, वो तो मेरा है जी। उसी तरीके से सैलरी हम क्या बोलेंगे आपका यहाँ पे, नॉन मॉनेटरी। मशीन नॉन मॉनेटरी, बैंक लोन इसके अगेंस्ट हमें पे करना है, हमने बाहर से लोन लिया था, तो मेरे बच्चे ये हमारा क्या हो गया, मॉनेटरी आइटम्स हो गया, मॉनेटरी आइटम्स हो गया। ये जो आपके डेटर्स हैं वो बाहर के, उनसे लेना है भी पैसा, तो आज हमें कितना लेना है आज के रेट से, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम। सेल्स हमारा इनकम है, ये हमारा क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी है ना। सर क्यों सेल्स का पैसा नहीं लेना है, अरे सेल्स का पैसा डेटर्स से लेना है, तो डेटर्स तो मैंने लिख ही दिया, ये आपका, ये तो आपका नॉन मॉनेटरी है। हमने मशीन परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो मशीन तो हमारा नॉन मॉनेटरी है, हाँ जिससे परचेज किया वो हमारा मॉनेटरी आइटम होगा, वो लायबिलिटी, वो वेंडर जिसको पे करना है, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो मैं क्या करूंगा अब यहां पे शुरू करता हूं, परचेजेज हमारा क्या होगा जी आपका, ये देखो हमने कहा कि जितने भी आपके नॉन मॉनेटरी आइटम्स होंगे, सॉरी मॉनेटरी आइटम्स, उसको हम क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मॉनेटरी आइटम्स को मैं क्लोज करता हूं, मॉनेटरी आइटम्स में एक तो फॉरेन क्रेडिटर्स, जरा बताओ क्रेडिटर्स है कितना, ये देखो क्रेडिटर्स था $10,000 का, है ना बच्चे, इतना ही पेमेंट करना ना बाहर वालों को, तो $10,000 जो पे करना है वो आज के रेट पे 76 के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं आज पे करने जाता हूं उनको तो हमें डॉलर लेना होगा और डॉलर एक आपको 76 के हिसाब से मिलेगा। तो मेरे बच्चे $10,000 का पेमेंट करने के लिए हमें यहां पे 76 के हिसाब से 7,60,000 का अमाउंट, 760 का अमाउंट हमें इनको पे करना। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, ठीक है। और आते हैं बैंक लोन, कितने का लोन हमने लिया था, लोन ये देखो बैंक लोन हमने लिया था जी, ये 12,000 का, मैं यहां दिखा रहा हूं क्योंकि यहां नहीं लिखा था, $12,000 का। तो मेरे बच्चे $12,000 जब लोन लिया था तो 74 था, अगर आज मैं उनका पेमेंट करता हूं तो 76 के हिसाब से हमें डॉलर मिलेगा, तो आपका बैंक लोन जो होगा वो 12,000 × 76, जरा बताओ कितना निकल के आ जाएगा, 12,000 × आपका 76, ये आ गया 9,12,000, लिखो ना यहाँ पे 9,12,000 है ना, ये सभी क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट किए जा रहे हैं। फिर आपका डेटर्स भी नॉन मॉनेटरी है, डेटर्स आपका देखो $15,000 हमें रिसीव करना है, तो अगर आज पैसा मिलेगा तो हमें तो 76 के हिसाब से मिलेगा, अरे वो बंदा हमें अगर डॉलर देगा, कितना डॉलर देगा, 15,000, तो $15,000 को अगर इंडिया में कन्वर्ट करूंगा तो हमें तो 76 रुपीज के हिसाब से मिलेगा, तो आपका 15,000 × 76 बताओ कितना आ जाएगा, है ना क्लोजिंग रेट पे। सर नोट लिख दे, लिखाऊंगा × 76, पहले समझो ना मेरी बात, ये 11,40,000 का अमाउंट हो गया, 11,40,000, ठीक है ना। इसके बाद और कुछ है, नहीं सर। तो मॉनेटरी आइटम्स जो होते हैं, मॉनेटरी आइटम्स, शॉर्ट में सुनिए मेरी बात, मॉनेटरी आइटम्स यानी कि वो एसेट्स या लायबिलिटीज जिनके अगेंस्ट हमें अब आगे पैसा पे करना है या रिसीव करना है, ये पेबल रिसीवेबल एक दिन के बाद हो, एक साल के बाद हो, दो साल, दस साल, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा फ्यूचर में उनसे लेना है या फिर देना है, उनको मॉनेटरी आइटम्स कहेंगे। इनको छोड़ के जितने भी नाम है, रटना नहीं है, समझना है, कोई भी नाम है जिसको, मतलब इनको छोड़ के यानी कि एक्सपेंसेज हो गए, हमारे रेवेन्यू हो गए, कोई लॉस हुआ होगा जी वो हमारा हो गया, कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट्स जो हमारा है अब हमें उसके अगेंस्ट कोई पैसा रिसीव पे नहीं करना, सब क्या होंगे आपके मॉनेटरी आइटम्स। और मेरे बच्चे नॉन मॉनेटरी, और जो नॉन मॉनेटरी होते हैं ना, दे आर कन्वर्टेड एट एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट मतलब जिस रेट पे आपने ट्रांजेक्शन किया था उसी रेट से कन्वर्जन होगा। एक्चुअल रेट का मतलब क्या, स्पॉट रेट, मतलब जिस दिन हमने वो ट्रांजेक्शन किया था उस दिन जो हमारे करेंसी में रेट था, कंट्री में रेट था, मेरे बच्चे उसी से, कहने का मतलब देखो ना, परचेजेज हमने यहां पे 7 लाख का परचेज किया था 70 के हिसाब से, तो हमारे एक्सपेंस तो हो चुका है ना, 7 लाख ही आएगा, एक 7 ही, और कहीं परचेज किया था सर, हाँ 350 का, तो आपका 7 और 350 एक्चुअल जितने पे परचेज किया था वही 1050, तो मेरे बच्चे 10,50,000 आपका यहां चला गया,
समझ रहे ना, एक्चुअल रेट का मतलब होता है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था उस दिन जो हमारे कंट्री में रेट था उसी रेट से हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड ऑब्वियस बात है कि वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहा होगा, वो रेट हमारे पास रहा होगा जब हमने परचेज किया होगा, उस दिन हमारे बुक में एंट्री हुआ होगा, हम उसी को लेकर यहाँ पे टोटल कर देंगे। रेंट, रेंट कितना हमने पे किया था इंडियन करेंसी में, एक्चुअल रेट 70,500, लिखो ना यहाँ पे 70,500। फिर बैंक में कितना पैसा हो गया है हमारे पास, सारे बैंक को प्लस माइनस कर दो, ये नॉन मॉनेटरी, हमें इसके अगेंस्ट किसी को पे नहीं करना, हमारे बैंक में पैसा है, हमारा पैसा है। तो एक तो बैंक में पहले ऊपर डेबिट वाला प्लस कर लेता हूं ताकि कहां गया, कोई डेबिट में है भी, सब क्रेडिट में है। अब मैं क्या करूं, बैंक, क्योंकि बैंक में और भी पैसे रहेंगे, मुझे ना एक डेबिट का इन्फॉर्मेशन बनाना है आपसे एक्चुअली यहां पे, तो मैं क्या करूं, एक एंट्री करता हूं कैश सेल्स का, अच्छा रहेगा। एक और एक काम करो, 20 अक्टूबर के बाद एक एंट्री कर दो, 25 नवंबर का एक और, आपका कहता है कि कैश सेल्स, हमने कैश सेल्स किया है और वो कहता है आपका कितना, $40,000 का, लो $40,000 का आपने बेचा जी। ये पता है कहां लिख रहे हो आप, ये जो क्वेश्चन था ना यहां लिख दो, चलो मैं यही लिख देता हूं, 25 नवंबर का। तो आपने क्या क्या यहां लिखा, कैश सेल्स किया है जी, और हमने कह दिया $40,000 का, ठीक है। उस दिन पे कहता है कि जो रेट था आपका यहाँ पे वो मान लो 71 रुपीज था, है ना, 71 था रुपीज, 71 पर यूएस डॉलर आपका। तो सुनो जरा, एक एंट्री यहाँ पे फिर और क्या बन जाएगी हमारे जी, आपका इनिशियल रिकॉर्डिंग में आपने क्या किया, पैसे आए होंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना, बैंक, एंड टू आपका सेल्स अकाउंट। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं और इसको बढ़ा देता हूँ ताकि फिगर पॉजिटिव रहे, निगेटिव होगा तो बात के बात है, हम करेंगे अभी, पहले 70,000 यहाँ पे। तो $70,000 मल्टीप्लाइड बाय 71, ये हमारा 49,70,000 बैंक में आया था और 49,70 आपका सेल्स भी है, क्योंकि दोनों ही आपके नॉन मॉनेटरी आइटम्स है तो इनपे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अब मैं शुरू करता हूं कि हमारा बैंक बैलेंस कितना रिकॉर्ड किया है, जो एक्चुअल है, इतना बैंक में पैसा आया, 350 चला गया, माइनस करो आप इसमें 350,000, फिर आप माइनस करो, लो बैंक में आया भी तो था यार, मैंने देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐड करो, प्लस आपका 8,88,000 ये भी आया, बैंक से चला गया माइनस 1,40,500, फिर आपका बैंक से चला गया माइनस 35,000, फिर आपका बैंक से चला गया माइनस 70,500, है ना, इस एंट्री का भी काम चल जाता बिना, बट कोई बात नहीं। तो बैंक में हमारे पास जो अमाउंट आ गया ना, ये आपका डेबिट में है 55,77,000 का अमाउंट आपका, कोई डाउट नहीं सर। सैलरी कितना हो जाएगा, ये भी आपका नॉन मॉनेटरी है जी, 35। जितने भी नॉन मॉनेटरी आइटम से जिस दिन पे ट्रांजेक्शन हुआ था उस दिन जो रेट होगा वही, मशीन भी नॉन मॉनेटरी है, तो मशीन कितने का था, 1,40,500, ये 1,40,500 का अमाउंट। बैंक लोन हो चुका है, सेल्स बताइए, तो सेल्स एक हमारा यहाँ पे नॉन मॉनेटरी आइटम है 49,70,000 का और 11,25 का, तो लिखो ना 49,70,000 और प्लस कितना जी, 11,25,000, तो मेरे बच्चे ये निकल के आ गया 60,95,000, 60,95,000 का आपका यहाँ पे। लो जितनी बातें आपके फॉरेन करेंसी में हुए थे मेरे बच्चे, उन सारी बातों को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया। इन शॉर्ट, अगर वो मॉनेटरी आइटम से, अगर उसके अगेंस्ट अभी आगे में रिसीवेबल या पेबल है, तो उनका कन्वर्जन हम किस रेट से करेंगे, आपका क्या बोलते हैं, रेट अपीयरिंग एट द एंड ऑफ ईयर, क्लोजिंग रेट। और बाकी जितने भी आपके नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, या कुछ ऐसे अगेंस्ट जो हमारे एसेट्स हमारे पास है, फिक्स्ड एक्चुअली, जिनके अगेंस्ट कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है, तो वो भी क्या होगा, आपका यहां पे जाएगा, ठीक है ना। तो हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन किए। अब क्या ये टैली करेगा, क्या ये टैली करेगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे इनके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाता तो वो टैली कर जाता, डेबिट क्रेडिट सबका बराबर है, लेकिन यहां पे टैली नहीं करेगा, क्योंकि जो आपके मॉनेटरी आइटम्स है ना बच्चे, ये आइटम्स जिस रेट से ट्रांजेक्शन हुए थे उनसे हटके रिकॉर्ड किए गए,
एक्चुअल रेट पे नहीं, तो गारंटी के साथ यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज आएंगे, वो डिफरेंसेज कितने आ रहे जरा देखे और फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी समझेंगे। देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे पहले डेबिट देख लेता हूँ, 10,50,000 है ना, प्लस आपका यहाँ पे 70,500, फिर आपका 57,000, फिर आपका 35,000, फिर 1,40,500 और फिर आपका 11,40,000, ये आपका निकल गया 80,13,000 का अमाउंट। चेक करते हैं क्या इधर भी 18,13,000 आ रहा है, कुछ डिफरेंस आएगा, पक्का डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस यहां भी आ सकता है यहां भी, बस चेक कर तो शायद यहां आपका यहां पे आना चाहिए, मैं देख लेता हूं जो भी आएगा। तो मैंने इसमें 7,60,000 हटा दिया, मैंने 9,12,000 भी हटा दिया और मैंने हटा दिया 60,95,000। बच्चे यहां पे 2,46,000 का एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ आपका कौन सा आइटम, नॉन मोनेटरी, माफ कीजिए बार बार कंफ्यूजन, मोनेटरी आइटम्स के चक्कर में, क्योंकि जिस रेट पे हुए थे हम उससे हटकर इनको कन्वर्ट किया आपका, ठीक है ना। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, हम इसको बोलेंगे आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, है ना, डिफरेंस, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट में भी आ सकता है, आपके क्रेडिट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है मेरे बच्चे। आप एक नोट लिखो ठीक इसके नीचे में, ठीक है, इसके नीचे में कहते हैं कि एज पर AS 11 के मुताबिक कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस इज शोन इन आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, किधर जी, इधर डेबिट साइड, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इधर डेबिट साइड ऑब्लिक क्रेडिट साइड, है ना बच्चे, कहीं भी ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आया, अगर क्रेडिट में आया तो क्या है आपका गेन है, हम इसको फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस गेन भी लिख सकते हैं, ये गेन है मेरे बच्चे। तो गेन कहां जाएगा, एसपीएल के इनकम में आपका, है ना बच्चे। और अगर मान लो इसका ये आपका लॉस आता, मतलब बैलेंसिंग फिगर अगर यहां पे आता तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस लॉस कहते हैं और लॉस वो आपके एसपीएल के एक्सपेंस साइड में चला जाएगा, ये इसका मतलब होता है। तो मैंने आपको बताया एक्चुअली इसका क्या ट्रीटमेंट है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जरा बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी वो किस तरीके से किया जाएगा, और वो फॉरेन रिकॉग्निशन अगर माफ कीजिए सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में यानी कि साल के एंड में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। साल के एंड में रिकॉर्ड करने के लिए पहले आइटम्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक आपका मॉनेटरी, दूसरा नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब वो सारे एसेट्स लायबिलिटी जो साल के एंड में आपके पास है और आपका दिल कहता है कि उनके अगेंस्ट पैसा रिसीव करना या फिर पे करना है, है ना, जिस दिन ऑब्लिगेशन टू रिसीव और ऑब्लिगेशन आपका क्या बोलते हैं राइट टू रिसीव उस दिन आपके पास है, जैसे कि डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, जैसे बीआर हो गया, बीपी हो गया, आपका बैंक लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, सभी हमारे क्या है जी वहां पर रिकॉर्ड होंगे। लेकिन इनके सिवा जितने आइटम्स है दे ऑल आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी, और नॉन मॉनेटरी के आइटम्स में सारे एक्सपेंसेज, रेवेन्यू, लॉस, क्योंकि इनके अगेंस्ट किसी को अब रिसीव पे नहीं करना, हो चुका इनका काम, और इसके साथ साथ कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट्स जनरली, या कोई जो नहीं कि फिक्स्ड हो, करंट भी हो सकता है, जैसे स्टॉक, बैंक, हमारा बैंक में पैसा जो पड़ा हुआ है, दे आर नॉन मॉनेटरी, तो ये सभी क्या होगा, कन्वर्ट होगा आपका एक्चुअल रेट पे। मैं इन्हीं बातों को आपको लिखाऊंगा और आप आओ ना, कितने मार्कर गिरेंगे, मैं इन्हीं बातों को आपको लिखाऊंगा क्योंकि अब आप समझ चुके हैं और मेरे साथ शुरू करेंगे लिखना। इन्हीं यही बात समझने में पता नहीं बच्चों को कितने बरस लग जाते हैं, जबकि कुछ नहीं है, है ना, कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तो आओ ना मैं शुरुआत करूं, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं इसके ऊपर में, और लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, आप शुरू करेंगे, लिखेंगे पहले आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैं पहले जो चीजें वर्ड्स यहाँ पे यूज हुआ उनको लिखा दो, फिर मैं उसके बारे में आऊंगा। लिखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हमें यहाँ पे कौन कौन से अच्छे वर्ड मिले, है ना, कौन कौन से अच्छे वर्ड्स मिले आपको यहाँ पे,
तो लिखेंगे नंबर वन क्या क्या मिला जी हमें, एक तो मिला मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स है ना, एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मॉनेटरी आइटम्स, तो कहना मॉनेटरी आइटम्स के बारे में, आर अ मनी हेल्ड, मनी हेल्ड, मनी हेल्ड एंड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड, ध्यान से जो शब्द समझाया था वही, या तो हमें रिसीव करना टू बी रिसीव्ड और पेड, या और पेबल कह दो आपका, और पेबल, और पेबल इन फिक्स्ड, इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल, डिटर्मिनेबल अमाउंट, अमाउंट ऑफ मनी, ऑफ मनी इन फॉरेन करेंसी, है ना, जो हमें फॉरेन करेंसी में पे करना या फिर रिसीव करना। मैं हर एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, पहले आप एक काम करो एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होगा अब आप खुद बता सकते हैं जी, जैसे कि आपके क्रिएटर्स हो गए, जब मैं यहाँ पे क्रिएटर्स लिख रहा हूँ तो एक्चुअली फॉरेन क्रिएटर्स है, मतलब जो बाहर में है, जो भी रिसीव पे करना फॉरेन करेंसी, मेरे बच्चे यहाँ पे बोला गया ध्यान रखना, या फिर आपके बिल्स पेबल हो गया है ना, आपके बैंक लोन हो गए, बैंक लोन आपका हो गया, आपके डेटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, आपके यहाँ पे क्या बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, अगर फॉरेन बैंक, ध्यान से फॉरेन बैंक में अगर आपका पैसा है तब तो वो आपका मॉनेटरी आइटम्स होगा, फॉरेन बैंक यानी कि हमने कुछ पैसा विदेश के जो बैंक में हमने जमा करके रखा है जी, तो वो उस दिन पे इंडियन करेंसी में कितना, आज हमें कितना मिलेगा, बैंक अगर इंडियन है तब नहीं, ये कौन से बैंक की बात हुई थी, ये इंडियन बैंक है, अगर फॉरेन कंट्री में कोई बैंक है तो वो बात यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना, ये हमारे हो गए, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा कर दो, वो तो हम बहुत नाम अभी चलो लिख लो ना थोड़ा सा, जैसे कि मैं कहूं आपका कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, मैं बार बार कह रहा हूं ये सब, ये नाम जो है ना, ये सभी नाम अगर बाहर वालों से जुड़े हैं, इंडिया में किसी को एक्सपेंस पे करना वो थोड़ी आएगा, फॉरेन एस एलेवन की बात कर रहे हैं, कोई आपका एक्रोड इनकम है, कोई आपका एक्रोड इनकम है बच्चे एक्सेट्रा, इन सब की बात की जा रही है, इन सब की बात की जा रही है। अगर नंबर टू लिखे आप यहां पे फिर नॉन मॉनेटरी आइटम, अच्छा इसको जरा समझ लेते हैं, और मनी हेल्ड, मनी हेल्ड कहां, फॉरेन बैंक में, फॉरेन बैंक में जो पैसा है या वो एसेट्स लायबिलिटी जो रिसीव, जिनको रिसीव करना है या जो पे करना है इन फिक्स्ड, एक फिक्स्ड अमाउंट में कि भैया इतना पे करना है, या फिर जो अमाउंट अभी फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा, हमने कोई आपका कर्ज लिया था जी, अब उसमें कुछ इंटरेस्ट भी ऐड होगा, एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा बाद में पता चलेगा, तो वो भी हम, मतलब जो बाद में पेबल या रिसीवेबल हो वो सब इसमें किया जाएगा इन फॉरेन करेंसी। अब नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स लिखो ना थोड़ा सा इसके बारे में, ऐसा आप समझ चुके हैं, कहते हैं कि आर एसेट्स एंड आर एसेट्स, या ऐसे लिख दो आर एक्सपेंसेज, आर एक्सपेंसेज रेवेन्यू, रेवेन्यू और एसेट्स अदर देन मॉनेटरी, अदर देन कवर्ड अंडर, कवर्ड अंडर मॉनेटरी आइटम्स, है ना, जो मॉनेटरी आइटम्स नहीं है उन एसेट्स लायबिलिटी को यहां पे कवर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका यहां पे कहते हैं कि कोई फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी आपका, आपके इन्वेंट्रीज है ना, स्टॉक जो आपके पास है, उसी तरीके से आपका यहाँ पे कुछ हम अगर बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस, जैसे रेंट हो गया, आपका सैलरी हो गया है ना, कुछ आपका सेल्स हो गया, सेल्स यानी गुड्स का सेल, परचेजेज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे नॉन मॉनेटरी हो जाएंगे। क्या मैं इस पे कोई क्वेश्चन कराऊं या आप समझ में आ गया, सर इसमें कुछ करने कराने को है नहीं, आप आगे बढ़ो ना, आप क्या बोलना चाहते हो, तो कुछ नहीं, ये तो अब आई जरा मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखा दूं आपको वो चीजें जो हमें आपको
मैंने समझाया है एक्चुअली आपको, मैंने कहीं लिखा है वो पॉइंट। हाँ, तो अब ना मैं इन्हीं बातों को क्या करूंगा, आपको लिखवाऊंगा, आप इसको मिटा दीजिए। इंपोर्टेंट डेफिनेशन हो गया हमारा इसके अंदर में जो यूज हुआ जी, अभी तक तो और कोई नया नाम यूज हुआ नहीं है, तो वो मैंने लिखा दिया। अगर आपने नहीं लिखा है वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए और काम आगे बढ़ाए। एक बच्चा मुझे फोन किया था, कोई वीडियो क्लास का था, बदमाश, वो कहता था कि सर आप जब लिखते हो तो फिर टाइम ही नहीं देते, आप लिख देते हो फिर फटाफट मिटा देते हो। अरे बदमाश, कॉमन सेंस यूज करो, मैं रुक गया तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। ब्रह्मा जी हूं मैं, विष्णु जी हूं मैं, अगर ये संसार को चलाने वाला कॉमर्स में कोई है तो वो संतोष कुमार है। मैं रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा, कैसे रुक जाए जरा बताओ। अरे रोकना ही है अपने लिए, तो वीडियो को पॉज करो, लिखो फिर आगे बढ़ो, वो ठीक है। मैं कैसे रुक सकता हूं, समझ में आया तो अच्छी बात, ना तो कोई बात नहीं। मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे, अब लिखो जरा यहां पे हेडिंग डालेंगे रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, या फिर इसको और भी अच्छा अगर चाहते हो, क्योंकि ये बात तो मैंने पहले भी लिखा था रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट नोट कर दो आप, इंपॉर्टेंट नोट ऑन आपका रिकॉग्निशन क्या जी। तो पहले आपने लिखा यहां पे इनिशियल, मत कहना कि सर क्यों लिखा रहे हो, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं मेरे बच्चे, अब तो इसको बस आपको दिखा रहा हूं कि ये जो हमने सीखा था वो क्या था। लिखेंगे यहां पे अ फॉरेन करेंसी, एग्जाम में कैसे लिखना है उनकी बात कर रहा हूं, अ फॉरेन करेंसी शुड बी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, मत चिंता करो, आप भी जब डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो हैंडराइटिंग आपकी गंदी होनी चाहिए, तभी तो पहचान होगा आपको कि आप प्रोफेशनल हो। अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द रिपोर्टिंग करेंसी मतलब जिस करेंसी में आप रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब इंडिया, यहां पे इंडियन करेंसी, यहां कहने का मतलब दैट इज इंडियन, है ना, रुपीज, इंडिया में आप इसको रिपोर्ट कर रहे हो ना, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। याद है ना जब हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज किया था, तो बच्चे उस दिन हमने जो रिकॉर्ड किया था वो क्या किया था, जिस दिन पे ट्रांजेक्शन था हुआ था उस दिन जो रेट थे हमने उसी रेट से क्या किया था, इसकी रिकॉर्डिंग की थी, ठीक है ना। दैट इज क्या क्या इसको बोल सकते हैं हम, इसको स्पॉट रेट कह सकते हैं, और क्या नाम दिया था जी, एक्चुअल रेट कह सकते हैं, और क्या नाम दिया था, हिस्टोरिकल रेट कह सकते हैं। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी का मतलब सेम होता है, एग्जाम में कोई भी बोलेगा मीनिंग सेम आपका। हाँ, वो पैराग्राफ चेंज करके एक बात बोलते हैं कि लिखेंगे आप एवरेज रेट, बहुत ध्यान से, एवरेज रेट ब्रैकेट में फॉर अ वीक और मंथ ब्रैकेट क्लोज मे बी यूज्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस। कहता है कि कब, इफ स्पॉट रेट इज नॉट अवेलेबल, बहुत ध्यान से मैं पूरे आपका AS11 की बात कर रहा हूं, ये इफ स्पॉट रेट इज नॉट अवेलेबल को आप कर लो अंडरलाइन। पता ही क्या बोलता है, ये कहता है कि देखो जी हमें तो स्पॉट रेट पता था सबका, जिस दिन पे आपने ट्रांजेक्शन किया उस दिन पे क्या रेट था हमने उसके हिसाब से रिकॉर्ड किया, आपने देखा था मेरे बच्चे, हमने वही काम किया। लेकिन कहता है कि अगर मान लो स्पॉट रेट आपके पास नहीं अवेलेबल है, ऐसा कब होगा, कभी कभी हो सकता है कि रेंट आपने 10 बार 12 बार 15 बार 20 बार पे कर दिया और आपने सोचा यार इकट्ठा एक बार एंट्री कर दूंगा,
सैलरी आपने 10-15 बार पे कर दी, आपने बोले चलो एक ही बार एंट्री कर दूंगा। कभी कभी है ऐसा पॉसिबिलिटी कि स्पॉट रेट आपके पास नहीं अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो AS11 आपको एवरेज रेट अप्लाई करने के लिए चांस देता है, बोलता है कि ठीक है अगर स्पॉट रेट नहीं है पता तो फिर आप इसको लेके, एवरेज रेट का मतलब क्या, जो रेट नॉर्मली पूरे साल रहा वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है। तो ये बात ये कब है, जब ये नहीं पता होगा। अगर ये पता होगा फिर तो मैं उसी से करूंगा जी, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा वही है। ठीक है, अभी इसमें पोषण करेंगे, आप चिंता नहीं करना। पहले आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा था जी आपका इनिशियल रिकॉग्निशन। नंबर टू लिखिए आप यहाँ पे, सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन लिखिए यहां पे आपका ब्रैकेट में। क्या मतलब बताया था, दैट इज रिपोर्टिंग, इसका मतलब क्या था, रिपोर्टिंग एट ईच बैलेंस शीट डेट, मतलब जब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उस डेट पे आप उसकी कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लिखिए इसके अंदर में पॉइंट नंबर ए, कहा जाता है कि फॉरेन करेंसी, मॉनेटरी आइटम्स किसके बारे में बात हो रहा है जी, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में जो मॉनेटरी आइटम्स है इनके बारे में बात हो रहा है। तो फॉरेन करेंसी जो मॉनेटरी आइटम्स है शुड बी रिपोर्टेड, लिखिए यहां पे शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द कौन सा रेट पे, क्लोजिंग रेट, है ना, बोलो ना। अरे बोलो ना, आप जानते हो हम इन सबको क्या कहते थे, क्लोजिंग रेट से हमने कन्वर्ट किया था। बी लिखेंगे आप यहां पे नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर कैरिड इन टर्म्स ऑफ क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आप जानते हैं हिस्टोरिकल का मतलब कि आपका उस दिन जो एक्चुअल कॉस्ट लगा था वही आपका, है ना। डेनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, मतलब जो फॉरेन करेंसी में हुए थे, डेनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी कहते कि शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट कौन सा लिया था हमने, ऑन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हुआ था मेरे बच्चे, उस दिन जो रेट था उससे हमने क्या किया था, नॉन मॉनेटरी को कन्वर्ट किया था। यहां तक तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बट आप यहां पे पॉइंट नंबर सी लिखेंगे। अब जो ये चीज तो आप जानते हैं, आप लिखेंगे यहां पे जो मैं आगे भी समझाऊंगा। कहता है कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स which are carried, non-monetary items which are carried at fair value, सर ये क्या अभी बताऊंगा, लिखो ना, should be reported, साथ साथ लिखना बच्चे, should be reported using the exchange rate on date of their revaluation। सर ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, revalued plant and machine, revalued क्या,
लैंड बिल्डिंग एक सेक्टर। सर ठीक से समझाओ ना, अभी बताता हूँ, आप लिख लो पहले यहाँ पे एक्सेट्रा। ये पॉइंट नंबर सी था हमारे पास जो मैंने आपके लिए रखा है, आप लिख लो यहाँ पे, पहले समझ लो, इस पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे बट अभी आगे बढ़ते हैं। बच्चे मोटे तौर पे हमने क्या देखा कि सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन में जो मॉनेटरी आइटम्स होते हैं दे आर रिकॉर्डेड एट क्लोजिंग रेट, जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम क्या करते हैं एक्चुअल रेट पे, हिस्टोरिकल पे करते हैं, जो आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। ये आपका कहां चला गया, ये आपका इसके बारे में। सी में कहता है कि अगर मान लो कहीं ऐसा नॉन मॉनेटरी आइटम से, जैसे कि मान लो मशीन कौन से प्राइस पे दिखाएंगे एक्चुअल, मतलब हिस्टोरिकल, लेकिन अगर इनको आज रिवैल्यू किया गया, परचेज पहले किया था लेकिन आज हमने उसको रिवैल्यू किया, तो बच्चे जिस दिन आप उनको रिवैल्यू करोगे उस दिन जो एक्सचेंज रेट होगा उसी से मल्टीप्लाई करके उसको आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। मतलब मान लो कोई आपका मशीन था जी, मशीन जब हमने परचेज किया था आपका मान लो $1,000 में, तो उस दिन रेट था 70। जब हमने कई वर्षों के बाद, कई महीनों के बाद इसको रिवैल्यू किया, तो अब ये मशीन जो आपका है उस दिन रेट आपका मान लो 75 हो चुका है। तो जिस दिन आपने रिवैल्यू किया उस दिन जो रेट होगा उसी रेट से मल्टीप्लाई करके बुक में दिखाया जाएगा, ऐसा अलाउ किया गया है। और सर जो डिफरेंस आ गया, कहा तो जो डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज डिफरेंस आपका है, और एक्सचेंज डिफरेंस क्या होगा वो एसपीएल में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। गेन तो आपका इनकम और लॉस तो आपका घाटा, यही तो बातें किया था। तो इन्हीं के बारे में हम इस पर भी और आगे पॉइंट्स देखेंगे, बट ये बात ध्यान रखेंगे हमने क्या बताया पॉइंट नंबर सी। नाउ अब लिखेंगे आप पॉइंट नंबर डी, और क्या होता है जी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स थे या तो मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है, इनके बारे में तो हमने देख लिया, इसके बाद और क्या। अरे अब जानते हो ना ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट के बाद यहां पे कंटिंजेंट लायबिलिटीज होता है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज जो हमारे पास होते हैं हम उनको कौन से प्राइस पे दिखाएंगे। क्या बोला, कंटिंजेंट लायबिलिटी, मेरे बच्चे वो भी लायबिलिटी है जो फ्यूचर में बन सकते हैं। तो एक तरीके से क्या मॉनेटरी आइटम्स ही तो हुए, बोलो ना, जो फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेबल अमाउंट। ये देखो कहीं लिखा था, मैंने शायद मिटा दिया कि वो आपका कहां गया, वो मैंने आपको मॉनेटरी आइटम्स से कहीं लिखाया तो था आपका, बट एनीवे चलो कि जो अभी आगे डिटरमाइन किया जाएगा, मतलब कंटिजन लिखेंगे यहां पे सी के बाद डी पॉइंट, जो कंटिजेंट लायबिलिटीज हैं, कंटिजेंट लायबिलिटीज आर शोन एट क्लोजिंग रेट, हमें उसको भी क्या करना है क्लोजिंग रेट पे ही शो करना है ना, क्लोजिंग रेट पे आप इसकी कॉपी करें। और इसके बाद फिर जब हमने इन सबको आपका दिखाया था ट्रायल बैलेंस में कि क्लोजिंग रेट पे कुछ आपका इस पे कन्वर्ट किया और उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे आप यहां पे कि एक्सचेंज डिफरेंसेज है ना, एक्सचेंज डिफरेंसेज अराइजिंग, जो अराइज होगा अराइजिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम्स, जब उनको सेटल मॉनेटरी आइटम्स क्या था जो आगे रिसीवेबल पेबल था, जब उनको पे किया गया सेटल किया गया और कुछ मान लो उससे डिफरेंस रेट हुआ जी, क्योंकि रेट डिफरेंट था, एट रेट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज इनिशियली रिकॉर्डेड है ना, जो एक्सचेंज डिफरेंस निकल के आया जी, दोज इनिशियली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द पीरियड should be recognized as income or expense in the period in which they arise, ठीक है ना।
ब्रैकेट में कॉल्ड, हम उनको क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा था ट्रेवल्स में फॉरेन एक्सचेंज गेन या फिर लॉस, यही था ना बच्चे। तो उसको हम क्या करते हैं, इस पर के इनकम एक्सपेंस में दिखाते हैं, आप इसकी कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर मैं अभी आगे और बढ़ूंगा, इसमें कुछ और बातें हैं। ये तो एस 11 ने आपको जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होते हैं उन पे ये सारी बातें की हैं, इन बातों को प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखो मुझे एक बात आपको बतानी है, अभी तक जो हमने आपको लिखा है ना, ये जितने सारे पॉइंट्स लिखा है, ये पॉइंट्स वो लिखा है जो हमने अभी क्वेश्चंस किया, जो अभी एग्जांपल वन एग्जांपल टू किया उसी से। आप एक काम करना, ये पॉइंट नंबर ई जो आपने लिखा ना कि एक्सचेंज डिफरेंसेज अराइजिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम्स एट रेट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज इनिशियली रिकॉर्डेड शुड बी रिकॉग्नाइज एज इनकम एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे अराइज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस। ये बातें हमने समझ ली है। मुझे ना एक्चुअली क्या करना, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरे पास एक नोटिफिकेशन है, जो MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में जो कंपनीज कवर्ड है, जिनको आपका जो हमारा कंपनीज एक्ट जिसको गवर्न करता है, उनको लेकर एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है। वो क्या निकाला है मैं आपको लिखाऊंगा, बट थोड़ा सब्र करके आप एक काम करना, इसके बाद ना पॉइंट नंबर ई के बाद अपने रजिस्टर में हाफ पेज जगह छोड़ दो, आधा पेज जगह। अब वो आधे पेज में क्या लिखाना बाद में, अभी नहीं, पहले मैं इसको ना आपको एग्जाम्पल से और समझाना चाहता हूं। मैं इसको मिटा दूं, ये चीज आपने लिख लिया होगा, पॉइंट नंबर ई छोड़कर मैं सब मिटा दूंगा, और जितने अभी हमने काम किए उस पे हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप जल्दी से आ जाओ और लिखो मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल दो हुआ ना, एग्जाम्पल थ्री लिखेंगे। एग्जाम्पल थ्री कहता है कि आपका कन्वर्ट फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस इनटू इंडियन करेंसी एट द एंड ऑफ ईयर है ना, एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब हो गया ये सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन है ना। देखो जो इनिशियल रिकॉग्निशन है उसमें ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें। तो पता मैं क्या करूंगा, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं, कुछ यहाँ पे आपको ये लीजिए, आप ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम ठीक है, डीआर और सीआर, हमें रेट नहीं, मैं नाम लिखूंगा, आपको नाम पहचानना है जी कि वो आपका मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है, और फिर उसको क्या करना कन्वर्ट कर देना है, बस इतना ही काम। मतलब वो लिख देना किस रेट से कन्वर्जन आपका होगा ट्रायल बैलेंस में। जैसे कि कहता है कि मशीन, लिखो ना मशीन, जिससे कहता है बिल्डिंग, अगर कोई बिल्डिंग हमने बाहर से एक्वायर किया है, मशीन बाहर से एक्वायर किया है, कोई इक्विपमेंट आपका है जो बाहर से हमने एक्वायर किया है ना, बाहर से एक्वायर किया, इस मशीन बिल्डिंग आपका इक्विपमेंट हो गया, फिर आपका और मैं क्या लूं, तो चलो अब कुछ आपका यहाँ पे बैंक लोन आपके पास है, यहाँ पे हमारे डिवेंचर्स हैं जो बाहर, याद रखना सारे फॉरेन करेंसी में मतलब बाहर में डील किए गए बच्चे, हमने डिवेंचर्स बाहर वालों को इश्यू किया है। फिर आपका यहाँ पे कहता है और क्या नाम लूं यहाँ पे, तो आपका सपोज दैट कहता है जी रेंट हो गया, सैलरी हो गया है ना बाहर वालों को, कुछ कमीशन है जो बाहर वालों को हमने पे किया है ना, कमीशन आपका हो गया। इसके बाद हमारा आपका क्या बोलते हैं, कुछ सेल्स हमने बाहर वालों को किया हुआ है, आपका कुछ परचेजेस हमने बाहर वालों से किया हुआ है, परचेजेस आपके हो गए यहाँ पे आपका, और क्या ले लूं मैं, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना, ये सारी बातें आपका काफी है। तो चलो बताओ ये चीजें जो है वो हमने जो पॉइंट्स निकाला उसके हिसाब से ये कौन से रेट से कन्वर्ट होगा। तो पहले मैं इनको क्लासिफाई करता हूं कि ये मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है। एक और नाम ले लो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है वो आपका। तो हम लोग क्या करेंगे जी, हम इसे कन्वर्ट करते हैं आपको, ये चलो इसको बाद में देख लेंगे है ना दूसरे वाले पार्ट में। तो मशीन क्या है, ये हमने कहा कि ये हमारा आपका नॉन मॉनेटरी आइटम्स है ना, नॉन मॉनेटरी, ये पेबल रिसीवेबल नहीं है जी एंड में आपका। उसके बाद हमारा यहाँ पे आपका बिल्डिंग क्या है, नॉन मॉनेटरी। इक्विपमेंट क्या है, नॉन मॉनेटरी। बैंक लोन क्या है, मॉनेटरी। डिवेंचर क्या है, मॉनेटरी। रेंट क्या है, नॉन मॉनेटरी।
सैलरी नॉन मॉनेटरी, फटाफट लिखो फटाफट, टाइप बात नहीं करना मुझे, इसके आगे की बात जो वो समझानी है। नॉन मॉनेटरी कमीशन हो गया, सेल्स आपका नॉन मॉनेटरी हो गया, परचेज नॉन मॉनेटरी हो गया। आप जानते हैं कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं ये कन्वर्जन किस रेट से आपका होगा, ये होगा आपका एक्चुअल यानी कि हिस्टोरिकल रेट आपका। तो मैं एक्चुअल लिख देता हूं, चाहे हिस्टोरिकल कोई भी हो, आपका ये हो गया एक्चुअल जी डेबिट में। बिल्डिंग भी आपका एक्चुअल पे ही आ गया नॉन मॉनेटरी, इक्विपमेंट भी एक्चुअल पे ही आ गया, बैंक लोन मॉनेटरी है और लायबिलिटी है तो क्लोजिंग रेट यहां चला गया, क्लोजिंग रेट से इसका कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। डिवेंचर्स भी क्लोजिंग रेट से, ध्यान रहे बाहर से इंडिया में इशू किया उसकी तो बात ही यहां नहीं उठ रही है। रेंट आपका क्या हो गया, एक्चुअल हो गया डेबिट में, है ना। सैलरी आपका एक्चुअल हो गया और कमीशन जो है नॉन मॉनेटरी आपका, ये भी हमारा क्या हुआ जी, एक्चुअल हो गया, ठीक है ना। सेल्स आपका एक्चुअल हो गया और हमारे जो परचेज है वो भी हमारे क्या हो गए, एक्चुअल हो गया। उसने कहा था पॉइंट नंबर आपका स्टार्टिंग में कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जिसको हमने एक्चुअल लिखा, आप चाहो तो इनको एवरेज ले सकते हो, अगर हमें स्पॉट रेट यानी कि एक्चुअल रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो। इतनी बातें हमने की है, एक काम करते हैं, अब मैं आपको अभी भी ये जगह वही छोड़ देना है, इसकी आपने कॉपी कर लिया होगा, मुझे बुक से कुछ क्वेश्चन कराने बच्चे, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं इसको छोड़ देता हूं। और हाँ, हमने कहा था यहाँ पे जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो आपका फायदा या घाटा, ठीक है ना। अब जल्दी से बुक में आप आइए, कुछ क्वेश्चंस बुक से देखते हैं। आप चेक करेंगे मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2, सर ये कुछ नया थोड़े कराया, ना बच्चे ना, कहां नया कराया, जो पहले क्वेश्चन कराया फिर जो उसमें नोट लिखाया और फिर उसको हमने क्या क्या एक आपका एग्जाम्पल से समझाया, बस इतना ही किया है ना, और कुछ नया नहीं। अभी तक हमने आपका इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होता है, सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होता है, हमारा मॉनेटरी आइटम्स क्या होता है, नॉन मॉनेटरी क्या होता है, जिसपे एस एलिमेंट टिका हुआ है, हम उसके बारे में समझ चुके हैं। जल्दी से बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आइए, ये हमारे एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको मिटा दूं, मिटा हुआ है यहां पे लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप मत यहां लिखना, आपने इसके बाद हाफ पेज का जगह छोड़ा हुआ जो अभी आगे यूज होगा, आप तो एग्जाम्पल 3 के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। अब आपका बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 सर्वन बाद में लिखेंगे आप यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपके बुक का, बुक की बात करें बच्चे, अब एग्जांपल नहीं है, सुनो क्या बता रहा है क्वेश्चन, क्या बोलता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि एडी सॉफ्टेक्स इंडिया लिमिटेड, मिला आपको, ये सर, इम्पोर्ट सर्टन स्टॉक वर्थ $6 लाख US डॉलर ऑन 15th अगस्त 2000, बहुत पहले का क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ तो मैंने बस आपका इसको कुछ चेंज किया नहीं है। $6 लाख में बच्चे हमने गुड्स परचेज किया था, स्टॉक परचेज किया था 15 अगस्त को, एट विच डेट द एक्सचेंज रेट कहता है कि ₹46 पर डॉलर था, ठीक है, द पेमेंट वॉज मेड ऑन 31st मार्च 2002, 31st मार्च 2002 को आपने पेमेंट कर दिया, वेन द एक्सचेंज रेट कहता है कि 47.10 हो गया पर डॉलर, स्टॉक इज इन हैंड, जो गुड्स आपने परचेज किया था अभी भी आपके पास स्टॉक के रूप में पड़े हुए, जो चीज आपने परचेज किया था वो अभी भी एज स्टॉक आपको पड़ा हुआ, कहता कि मेक एंट्रीज फॉर अबव, ये जो बातें ऊपर बताई गई आप उनकी एंट्रीज पास करें और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में, क्योंकि आपने बाहर से स्टॉक परचेज किया हुआ है तो उसको बुक में कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा वो बातें कर रहे हैं। तो आओ ना, मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का, मेरे बच्चे एक डायग्राम पे पहले देख लो क्या बोलना चाहता है, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में आपने गुड्स कब परचेज किया था, 15th अगस्त 2001 को, ये रहा आपका मान लो कहीं, यहां कहीं भी ले लो 15th अगस्त 2001 आपने यहां पे गुड्स यानी कि स्टॉक को परचेज किया था, ठीक है, ये परचेज हो गया यहां पे। कहता कि इसका पेमेंट हमने कब किया जी, 31st मार्च 2002 को, मेरे बच्चे साल का एंड ये 31st मार्च 2002 कहता है कि इस दिन पे आपने पेमेंट किया, दिस इज एंड ऑफ ईयर पेमेंट मेड, है ना, इसका मतलब है कि इस दिन हमने परचेज किया होगा ऑन क्रेडिट पे और यहां पे हमने उसको पेमेंट किया होगा, ठीक है। कहता है कि जब आपने परचेज किया था उस दिन जो रेट था वो आपका था 46 और जिस दिन आपने पेमेंट किया वो रेट कहता है कि आपका 47.10 हो चुका है, ये रेट आपका हो चुका पर डॉलर का। कहता बताओ कि एंट्री और फिर स्टॉक की वैल्यू, मैं पहले एंट्री दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं 15 अगस्त की एंट्री करूं, है ना, 15th अगस्त 2001 आपने परचेज किया, आप जानते तो हो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 आपने नाम तो नहीं बताया,
तो टू फॉरेन क्रिएटर्स लिख देता हूं, क्रिएटर्स लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन सप्लायर्स लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने डॉलर थे जी आपके पास जो परचेज किया था, क्वेश्चन नंबर टू, 6 लाख डॉलर का। तो मेरे बच्चे यहां पे क्या होगा, 6 लाख और मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना था 46, मैं लिख दूं यहां पे, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, 6 लाख इंटू आपका 46। तो 6 लाख इंटू 46 ये अमाउंट आ गया 2 करोड़ एंड 76 लाख आई थिंक। हाँ जी, परचेजेज हो गया 2 करोड़ एंड 76 लाख का, और 2000, हाँ जी ये रहा 2 करोड़ 76 लाख का, और क्रेडिटर्स को भी हमें 2 करोड़ एंड 76 लाख पे करना था इन इंडियन करेंसी इस दिन पे जब हमने परचेज किया। लेकिन मेरे बच्चों 31 मार्च को यानी कि 31 मार्च 2002 को जब आप क्रिएटर्स को पेमेंट करने गए, इनको जब पेमेंट करने गए तो रेट आपका क्या हुआ, 47.10 हो गया, पे कर दिया हमने, यहां पे लायबिलिटी खत्म हो गई। तो हमारे जो फॉरेन क्रिएटर्स हैं, फॉरेन क्रिएटर्स ये हमने क्या किया, डेबिट किया। कितना जी, ध्यान से सुनना, जब पेमेंट करने गए तो हमें तो उनको 6 लाख डॉलर ही पेमेंट करना है ना फॉरेन करेंसी में, लेकिन वो डॉलर आज हमें 47.10 का पड़ा। यही हुआ ना बच्चे, तो आप देखो ना, क्रिएटर्स जो हमारे पास थे उनको हमें क्या करना पड़ा, इतना पेमेंट करना पड़ रहा। एक मिनट रुक जा, गलती नहीं, एक मिनट रुक जा। पहले बताओ क्रिएटर्स हमारे बुक में कितने गए थे, 2 करोड़ 76 लाख। आप तो जितने बुक में थे पहले आप उनको हटाओ, अब उनका पेमेंट हो गया, ठीक है ना, हमने हटा दिया थोड़ा जगह छोड़ के। लेकिन मेरे बच्चे टू बैंक अकाउंट, आपने बैंक से जो पेमेंट किया ना वो कितना पेमेंट किया, ये जो 6 लाख डॉलर आपने पे किया है वो हमें मिला है 47.10 के रेट से, है ना। तो 6 लाख डॉलर जो हमने पेमेंट किया वो 47.10 के हिसाब से आपका ये पेमेंट हुआ 2 करोड़ 82 लाख एंड 60,000। ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, कर्ज जितना था उससे ज्यादा, पता है क्यों, क्योंकि रेट बढ़ गया आपका। तो ये जो आपका डिफरेंस निकल के आया, जरा बताओ आपको घाटा हुआ कि फायदा हुआ, सर लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ जी, अगर 2 करोड़ 76 लाख का अमाउंट इसमें से हटा दूं तो मेरे बच्चे हमें 6 लाख एंड 60,000 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ये लॉस जो आपका होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, है ना, यही बताया था ना मैंने आपको, पढ़ो ना क्या बता रहा है, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। अगर वो सेटल्ड हो जाते हैं एट रेट डिफरेंट फ्रॉम इनिशियली रिकॉर्डेड, जिस पर रिकॉर्ड हुआ था, तो जो आपका यहां पे अमाउंट निकल के आएगा वो घाटा या फायदा हुआ, जो कि फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका हमें, अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना होता तब जब वो क्रिएटर्स हमारे पास रहते, बट है ही नहीं, वो तो पेमेंट हो गया, तो ठीक है आपका ये निकल गया। यानी कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज आपका डिफरेंस निकल गया 660, ये आपका लॉस है। और आज यानी कि 31 मार्च को, 31 मार्च 2002 को हम क्या करेंगे, विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड, या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टू फॉरेन एक्सचेंज लॉस, है ना, या डिफरेंस अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने का, 6,60,000 का, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे साल में जो भी घाटे फायदे होते थे ऑल आर ट्रांसफर टू एंड में एसपीएल अकाउंट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बात समझ आ रही है मैंने क्या बताया, तो लायबिलिटी जितना बुक में था वही खत्म होगा, लेकिन पेमेंट हमें ज्यादा करना पड़ा बिकॉज ऑफ चेंज इन रेट, तो घाटा जो हो गया, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट लिख सकते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट लिख सकते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस अकाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर वो साल के एंड में कहां चला जाएगा, एसपीएल में। हमारा एंट्री करने का काम पूरा हो गया, हम अपने एग्जाम के इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर गए। लेकिन क्वेश्चन कहा था कि स्टॉक जो आपके पास एंड में है उसको बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सुनो ना, इसके बाद लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो गुड्स हमने परचेज किया था, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2002, मतलब जो गुड्स हमने परचेज किया था मेरे बच्चे, ये कहता है कि अभी हमारे पास स्टॉक रूप में पड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितना, हमें समझना पड़ेगा कि साल के एंड में जब हम इस स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या ये मॉनेटरी आइटम्स है कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स है।
बोलो बोलो, ये स्टॉक जो आपने परचेज किया, मैं ध्यान देना बच्चे कहां गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करना। एक्चुअली यहां पे दो चीजें हैं, एक यहां पे स्टॉक है, ये आपका स्टॉक है जो परचेज किया, और एक आपका क्रिएटर है। पर बच्चे क्रिएटर जो है ना, ये हमारा मॉनेटरी आइटम से, नो डाउट क्रिएटर्स जो है मॉनेटरी आइटम से, लेकिन जो स्टॉक है वो थोड़े कोई मॉनेटरी आइटम से। स्टॉक मतलब क्या, जो परचेज कर लिया जी हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, क्या वो स्टॉक के बदले में किसी से पैसा लेना है या देना है? अभी नहीं, जब बिक जाएगा तब ना, अभी तो स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ है, कहां कोई उसके अगेंस्ट हमें रिसीवेबल या पेबल है मेरे बच्चे, है ना? क्या किसी को बोल सकते हो कि हाँ भैया ये स्टॉक का पैसा आपसे हमें लेना है? नहीं बोल सकते। हाँ ये स्टॉक का पैसा हमें आपको देना है? नहीं बोल सकते। क्रिएटर अलग है, हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, दो आइटम यहाँ पे। तो क्रिएटर तो चलो मॉनेटरी आइटम्स है, लेकिन स्टॉक जो है ना, ये हमारे जो गोडाउन पड़ा है, इसे नॉन मॉनेटरी आइटम। और अभी हम पढ़ के निकले हैं कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन यानी कि एंड में रिकॉर्ड होते हैं एट देयर हिस्टोरिकल यानी कि स्पॉट रेट पे। और स्पॉट रेट कितना हमारा है जी, हमने कितने में इसको परचेज किया था? 2,76,00,000 रुपए। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू ऑफ स्टॉक दिखाऊंगा, ये आपका 2,76,00,000 रुपए का अमाउंट ही लिखा जाएगा। आप भूल कर इसको भी एंड कैरेट पे कन्वर्ट मत कर देना। अगर आपने एंड कैरेट पे कन्वर्ट कर दिया तो अपनी आत्मा से पूछना कि क्या जो आज हमने इस रेट से कन्वर्ट किया है, क्या ये पैसा हमें किसी को देना है, क्या हमें किसी से लेना है? नहीं तो फिर काहे का मॉनेटरी आइटम, इट्स नॉन मॉनेटरी और कन्वर्ट होगा आपका इस तरीके से। बात समझ में आई? यस सर। मैं इसको मिटा दूं? यस सर, मिटाओ ना। अब आगे बताओ क्या कहना चाहते हो, वो जो आपने यहाँ पे जो लिखाना था ना वो लिखाओ ना सर। अभी नहीं, थोड़ा सा और आओ ना, थोड़ा सा और मैं आपको स्ट्रॉन्ग कर दूं। बस तमन्ना सिर्फ दिल की इतनी है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दूं। एक क्वेश्चन और करते हैं आपके बुकलेट का, क्वेश्चन नंबर थ्री एक बार चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बता रहा है? कहता है क्वेश्चन नंबर थ्री में, अलमाज लिमिटेड ऑब्टेन्स अ लॉन्ग टर्म फॉरेन एक्सचेंज लोन ऑफ 20,00,000 US डॉलर। हमने एक लोन लिया है जी ऑन 2 सितंबर 2001, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। व्हेन द एक्सचेंज रेट कहता है कि 44.50 रुपीज थे पर डॉलर ऑन 31 मार्च 2002, एक्सचेंज रेट कहता हैज गॉन अप टू 47.50 पर डॉलर। बोलता है कि शो इट्स ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैं लिख दूं यहां पे शो इट्स ट्रीटमेंट, है ना, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो क्या ट्रीटमेंट करूं मैं, मुझे तो वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। अगर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर थ्री का, ये रहा हमारा, नाम चेंज है बट कॉन्सेप्ट वही है। आपने लोन कब लिया था? हाँ वहां पे क्रिएटर्स था, यहाँ पे लोन की बात है। लोन कब लिया था? 2 सितंबर 2001 को। पर बच्चे यहां कहीं 2 सितंबर 2001 को आपने लोन लिया था, लोन आपने लिया था, लोन। जब हमने लोन लिया था तो जरा बताइए कि आपका लोन ये जो हमने लिया था उसमें रेट क्या था? तो 44.50, आज रेट था 44.50 का। 2 सितंबर के बाद कहता है कि 31 मार्च 2002 को, ये आपका 31 मार्च 2002 को कहता है कि रेट जो आपका है, रेट आपका ये कहता है कि गोन अप टू 47.40 आपका रेट हो गया। बोलता है बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो ट्रीटमेंट क्या, हम एक एंट्रीज करके दिखा देते हैं फिर इसका ट्रीटमेंट खत्म, यही तो होना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जी, जिस दिन लोन लिया यानी कि आप 2 सितंबर की एंट्री कीजिए, 2001 में हमने लोन लिया, तो एक तो हमारा बैंक बढ़ेगा, पैसा हमारे बैंक में आएगा, और लायबिलिटी हमारी क्या बढ़ गई? टू बैंक लोन। जरा मुझे बताओ कितने का लोन था? सर लोन था क्वेश्चन में 20,00,000 डॉलर का। तो मेरे बच्चे 20,00,000 डॉलर मैं लिख दूं यहां पे, लोन हमने लिया था जी 20,00,000 डॉलर का, और उसने रेट क्या था? 44.50। तो इसी के रेट से तो हमें पैसे मिले होंगे, है ना, इनटू 44.5, ये आपका आ गया 89,00,000, आई थिंक 1,90,00,000, हाँ जी 8,90,00,000 का अमाउंट ये हमारे ऊपर लायबिलिटी आया, और इतना पैसा हमारे बैंक में आ गया होगा जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया होगा तो हमारे पास आ गया होगा, कोई डाउट नहीं सर। कहता है कि क्या इस लोन का रिपेमेंट हो चुका है? ना, साल का एंड आ गया। अरे साल का एंड यानी कि 31 मार्च 2002, जब साल का एंड आया मेरे बच्चे, लोन जो है ना यहाँ पे रिपे नहीं हुआ है, तो जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन यहाँ पे होगा ट्रायल बैलेंस में, दो नाम आएगा, एक नाम आएगा बैंक का और एक नाम आएगा बैंक लोन का।
एक बैंक लोन का। बैंक तो हमारे देश का है, ये तो हमारा क्या होगा जी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, ये तो यही रहेगा इतना ही, क्योंकि बैंक में थोड़े बढ़ेगा कुछ पैसा। लायबिलिटी हमारी अब बढ़ गई है, बैंक लोन जो हमने इस रेट से लिया था अब रेट आपका इतना पेबल हो गया, ये हमारा मॉनेटरी आइटम से मेरे बच्चे। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस दिन पे हम लोग अपने बैंक लोन की लायबिलिटी को हम इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। कितना सर? ये जो 20 लाख डॉलर है, अब इस पे हमें एक्स्ट्रा पे करना है। कितना पे करना है जी? तो आप देखो ना, 47.40 के हिसाब से पे करना है। पहले ही लायबिलिटी हमने इस रेट से दिखाया हुआ है 44.50, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 47.4 माइनस 44.5, ये आ गया 2.9, और इनटू आपका कितना 20 लाख डॉलर, ये आ गया मेरे बच्चे आपका एक्स्ट्रा जो अमाउंट आ रहा है। कुछ गलती कर दिया क्या, ज्यादा लिख दिया मैंने, ये तो पंगा है। 20 लाख, ठीक है, और मल्टीप्लाइड भाई कितना हो गया, 3 रुपीज 290 है ना, इंटू टू, ठीक किया था मैंने शायद। तो ये आपका 58 लाख रुपीज से आपकी ये लायबिलिटी बढ़ गई, 58 लाख रुपीज। ये जो लायबिलिटी बढ़ी बच्चे, आपको लॉस हो गया, और इस लॉस को हम कहां से बैलेंस करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, ये लिख दो फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 58 लाख का अमाउंट आपका है ना, ये ट्रीटमेंट हुआ। और आज क्योंकि साल का एंड है, तो 31 मार्च 2002 को ये कहां चला जाएगा? एसपीएल में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, डिफरेंस अकाउंट है ना, यही तो ट्रीटमेंट हमें समझाया गया है। तो 58 लाख, ये हमारा काम पूरा हो गया। सर नहीं समझ में आया, आपने क्या किया? देख लो ऐसे, ये तो मैंने आपको समझाया हुआ है, ये मत लिखना, ये ट्रायल बैलेंस हमारा जी एंड में, साल के एंड में दो नाम दिख रहे हैं, एक आपका बैंक और एक दिख रहा है हमारा बैंक लोन। हमने कहा था कि ट्रायल बैलेंस में बैंक जो है वो नॉन मॉनेटरी आइटम से इसी रेट पे जाएगा, मतलब 8 करोड़ 90 लाख, तो बैंक में तो 8 करोड़ 90 लाख ही जाएंगे। लेकिन जो बैंक लोन है वो हमारा क्या होगा जी, क्लोजिंग रेट पे। क्लोजिंग रेट का मतलब हो गया 20 लाख जो डॉलर आपके थे मल्टीप्लाइड बाय आपका इनटू 47.4, ये आपका अमाउंट आ गया कितना, 9480123, इतना अमाउंट लिखा जाएगा बच्चे, है ना, इतना अमाउंट। तो ध्यान रखना एंड में इतना बैलेंस दिखाना है, जबकि हमने 2 सितंबर को इतना बैलेंस दिखाया हुआ है, तो इसको बढ़ाना होगा ना। हमने क्या किया, इस बैंक लोन को पहले इतने से इंक्रीज कर दिया, जो क्रेडिट था और क्रेडिट कर दिया, अब इस दोनों को ऐड करोगे तो ये इतना बन जाएगा। और फिर जो लॉस हुआ कहां चला गया जी, बैलेंसिंग फिगर क्या, जो लॉस आएगा वो प्रॉफिट लॉस वही काम कर रहे। तो एक्चुअली जो मैंने आपको अभी समझाया था उसके छोटे छोटे पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आराम से कर जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गया 3 हो गया, मैं अब मैं आपके पास आना चाहता हूं यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 क्वेश्चन पे आइए। सर बीच वाले सब करूंगा, आप पहले सुनो तो मेरी बात, मैं आपके देख रहे एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, मैं ये करा रहा हूं आपको, मैं इसको पहले मिटा दूं। आप जरा आइए क्वेश्चन नंबर 6 के पास, इसको अभी जगह छोड़ते हुए, मैं इसको अभी नहीं हटा रहा क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप लिखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ेंगे आप, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्या क्वेश्चन बोलता जी, एक बार देखिए मेरे साथ 6 नंबर। आप कहीं थक तो नहीं गए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। लेकिन सर बोर हो रहे, कैसी बात कर रहे हो? अरे पूरे दुनिया की अकाउंटिंग सिखा रहा हूं और आप कह रहे हो कि मैं बोर हो रहा हूं, ये तो गलत है। ये मेरा अमृत है, जब मैं थक जाता हूं, मेरा गला जवाब नहीं लगता है, तो मैं इस अमृत को पी लेता हूं और फिर 70-80 साल के लिए मेरी कैपेसिटी और बढ़ जाती है। इसमें क्या है, ये आपके लिए हमेशा सस्पेंस रहेगा। बस मैं शुरू करता हूं 6 क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। कहता है 6 में, एलमेजप्लेक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी टुक अ फॉरेन करेंसी लोन ऑफ 5 लाख US डॉलर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1st 2020।
एग्जाम का क्वेश्चन आपका, मैंने बस इसमें डेट चेंज कर दिया है. इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली विथ इंस्टॉलमेंट विथ एन इंस्टॉलमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ 50,000. मतलब इंटरेस्ट पे करना है जी और प्रिंसिपल आपका 50,000 के हिसाब से. कंपनी क्लोजेज बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 31st March एवरी ईयर. एक्सचेंज रेट कहता है कि आपका 1st 1st 2020, 31st March 2020, 36th 2020, 31st 12th 2020 एंड 31st March 2021 आपको इतने सारे रेट है. प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड कैलकुलेट एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस या गेन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन, आपका कहता है कि 31st March 2020 एंड 31st March 2021. सर ये क्या है? बहुत सिंपल, मैं आपको दिखाता हूं इसी का एप्लीकेशन. आप ना एक पहले डायग्राम बनाओ. क्वेश्चन में जब बहुत सारे डेट होते हैं ना तो बातों को शॉर्ट करो. कहता है कि इन्होंने एक लोन लिया था 1st 1st 2020 को. मेरे बच्चे ये 1st 1st 2020 यहां पे हमने क्या किया जी, लोन लिया आपका यहां पे, ठीक है. और फिर कहता है कि इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली विथ इंस्टॉलमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ आपका 50,000, ठीक है. मतलब इंस्टॉलमेंट जो आपका है वो हाफ ईयरली, ऐसा बोलना चाहता है. कंपनी जो अकाउंट क्लोज करती है 31st मार्च. पहले मैं इंस्टॉलमेंट फिक्स करता हूँ. हाफ ईयरली यानी कि एक इंस्टॉलमेंट आपका कब आएगा जी, पहला आपको यहां पे तो 30th June 2020 को. सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट आएगा हाफ ईयरली यानी कि 31st December 2020 को. और तीसरा इंस्टॉलमेंट जो आपका आएगा वो 30th June 2021. शायद इतने से आगे अकाउंट नहीं जा रहा है, देख लेंगे अगर जगह हुआ तो, मतलब रिक्वायरमेंट हुआ तो. ये हमारा हो गया. इसके बाद मेरे बच्चे कहता है कि आपका जो ईयर एंडिंग होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी दिन हम आपका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हैं. तो 31st मार्च, तो पहला 31st मार्च कहां खत्म होगा, यहां कहीं. 1st आपका 2020 है तो आपका पहला ईयर एंड हुआ 31st मार्च 2020 को. फिर 31st मार्च 2021 यहां कहीं जाएगा, ये आपका हुआ 31st मार्च 2021. और फिर 30, दो ही ईयर के काउंटिंग बोला ना आपको यहां पे. हाँ जी सर, तो इसके आगे की हम बात क्यों करें, ठीक है. अब मैं शुरू करता हूं यहां पे. उसने एंट्री पूछा है कि अकाउंट पूछा है. सर कहता है प्रिपेयर लोन अकाउंट, तो मैं लोन अकाउंट बना देता हूं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है. आप आए जरा यहां पे लोन अकाउंट, लोन अकाउंट हम लोग बना दें. आप कहना तो मैं आपको एंट्री भी करके दिखा दूंगा, बट आप बड़े बच्चे हैं, लेजर को एंट्री में कन्वर्ट करना पहले से ऑलरेडी जानते हैं. तो मैंने यहां पे स्टार्ट किया. देखो अगर एंट्री साथ साथ में करूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, थोड़ा थोड़ा एंट्री करूंगा, तो 1st 1st 2020 को क्या एंट्री बनेगा. हमने लोन लिया, तो आपका लोन जब लिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू आपका बैंक लोन अकाउंट, यही होगा ना आपका. यस सर. तो बैंक टू बैंक लोन यानी कि अगर मैं ये बैंक लोन अकाउंट हमारा है, बैंक लोन अकाउंट, तुम क्या बोलेंगे यहां पे 1st 1st 2020 को आपने कहा बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट. बताइए लोन कितने का हुआ इन इंडियन करेंसी. हमने 5 लाख US डॉलर का लोन लिया था, 5 लाख. और आज जब हमने लोन लिया था उस समय रेट देखो 1st 1st 2020 को कितने का था, ये 72.25 का है ना बच्चे. तो बताओ अमाउंट कितना, 5 लाख इंटू 72.25, ये आपका आ गया 3 करोड़ 61 लाख एंड 25,000. ये हमने आज यहां पे लोन ले लिया. कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर. तो 3 करोड़ 61 लाख 25,000 का हमने क्या क्या यहां पे एंट्री किया. अब देखो इंस्टॉलमेंट बाद में आता, पहले ईयर एंडिंग आ गया. तो साल के एंड में क्योंकि ये बैंक लोन है, हमें इसको आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हमें क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना होगा. तो 31st मार्च 2020 को हम लोग क्या करेंगे, बाय फॉरेन एक्सचेंज, साथ साथ लिखिए फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, है ना, डिफरेंस अकाउंट से हमें इसको कन्वर्ट करना होगा. अब देखो ना रेट आपका चेंज हो गया. पहले जो रेट आपका 72.25 था, अब वो कहता है 72.50 हो गया है. यानी कि 5 लाख जो आपके लोन के डॉलर है,
इनमें मेरे बच्चे इतने से तो ऑलरेडी एंट्री हो ही पड़ी है आपका 0.25, है ना, 0.25, क्यों, क्योंकि 72.50 रेट हो चुका है, 72.25 ऑलरेडी पहले से हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो बाकी का अमाउंट आपका हमें यहाँ पे ऐड करना होगा लोन में, तभी ये क्लोजिंग रेट पे आएगा। तो 5 लाख इंटू हमारा 0.25, बताइए कितना आ गया, ये आ गया 1,25,000, ठीक है ना। अभी तक कोई पेमेंट हुआ नहीं है, तो साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2020 को आप इस बैंक लोन का जो टू बैलेंस सीडी आप दिखाएंगे वो कितना हमारा हो गया जी, तो हमारा 5 लाख आपका लोन है, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय आपका आज रेट कितना था, 72.50, ये था ना रेट आपका 72.50, मैं बार बार लिख रहा हूँ, 72.9 लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, चलो कोई नहीं बाद में, तो 72.50 का है ना, या तो इन दोनों को ऐड कर लो तो भी ठीक है, या फिर 72.25 प्लस 0.25 मिलके वही हो जाएगा, तो अमाउंट कितना निकल के आ गया आपके 5 लाख इंटू 72.50, ये आपका आ गया मेरे बच्चे 3,62,50,000 का अमाउंट। तो 3,62,50,000 ये हमारा काम पूरा हुआ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये लीजिए जरा बताओ हमारा कितना अमाउंट हो गया, 3,62,50,000 इधर भी और यहाँ भी 3,62,50,000। आगे बढ़ते हैं, अगले साल में आ गए यानी कि 1/4/2020 को, लिखो ना बाई बैलेंस बीडी, हमारे पास जो लोन है आपका, यही देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं, 5 लाख इंटू 72.50 के हिसाब से ये लोन था 3,62,50,000 का, है ना बच्चे, इसका एंड जो इसका स्टार्टिंग था, ये हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था ऑन 1/4/2020, कोई डाउट नहीं सर। आगे बढ़ता हूँ सुनना ध्यान से मेरे बच्चे। अब इसके बाद समय आगे चला और चलते 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 क्या हुआ, ये दिन आ गया जिस दिन आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है ना, 6 महीने के बाद 31/12/2020 को आपका इंस्टॉलमेंट जो है आप चेक कीजिए वो कितना निकल के आ रहा है आपका, 73.90। यहाँ पे जो आपका इंस्टॉलमेंट है, एक मिनट, इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है कि ईयरली है सर, हाफ ईयरली था, ओहो तो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना, यहाँ पे हाफ ईयरली है तो मैं यहाँ पे हाफ ईयरली बना देता हूँ, अभी तक कोई गलती नहीं हुआ। इसके बाद पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आपका है ना 30/6/2020 को इंस्टॉलमेंट है आपका पहला, फिर आपका ये दूसरा रहा 31/12/2020 को इंस्टॉलमेंट रहा पे, फिर आपका 30/6/2021 ये यही तो डेट है आपका, ओहो चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा इसको और सही कर देता हूँ, ये थोड़ा इसको सही कर देता हूँ मैं, आप गुस्सा नहीं करना, ठीक है। हमारा ये था जी आपका पहला इंस्टॉलमेंट, मैं प्लस लिख देता हूँ, इंस्टॉलमेंट जो पे करना है वो आपका यहाँ पे पहला 30/6/2020 को, ये फर्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका यहीं पे किया जाएगा, ये आपका 6 महीने के बाद, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका ये डेट है ना। थर्ड जो आएगा वो 30, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट आपका है, इंस्टॉलमेंट है ना 30 जून 2021, बस इतनी बातें करनी है। मैं रेट सबका लिख देता हूँ जी, कितना कितना था, बार बार मुझे देखना नहीं पड़े, 72 ये था, 72.25 ये था, 72.50, 30/6 को 72.90 और फिर 31 दिसंबर को 73.90 31 मार्च को आपका 73.50 और इसके आगे तो हमें अकाउंटिंग करना नहीं, बस यहीं पे हमें खत्म करना है। तो आइए जरा अब फटाफट बढ़ते हैं हम लोग, देखो फिर अब आ गया हमारा कौन सा दिन जी, ये पहला इंस्टॉलमेंट पे करने का 30/6/2020 मेरे बच्चे, 30/6/2020 को यहाँ लिखता हूँ आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है टू बैंक अकाउंट, कितना कहता है कि ये जो अमाउंट ऑफ लोन है ये पेबल है आपके कितने इंस्टॉलमेंट में, कहता है कि आपका हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 50,000 का, यानी कि 50,000 US डॉलर मेरे बच्चे आज हमने क्या किया जी, 50,000 US डॉलर पे किया है और किस रेट से पे किया आज, 30/6 को 72.90। सर ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, इंटरेस्ट भी पे किया होगा, लेकिन मेरे बच्चे इंटरेस्ट जो होता है ना
उससे इस अकाउंट कोई मतलब नहीं बनता। इंटरेस्ट क्या है? जब इंटरेस्ट बकाया हो, इंटरेस्ट पे करूंगा तो इंटरेस्ट तो बैंक होगा, इंटरेस्ट बकाया है तो इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, उसमें तो बैंक लोन का नाम ही नहीं आता, तो फिर इस अकाउंट में क्यों आएगा? वो तो इंटरेस्ट अकाउंट की बात है, हम उसकी अकाउंटिंग भी नहीं कर रहे हैं। हमें तो अकाउंटिंग किसका करना है, सिर्फ यहाँ पे आपका। तो आपका यहाँ पे 50,000 का जी इंटू 72.90 के हिसाब से जो रेट है हमने पे कर दिया, ठीक है। जरा बताओ कितना निकल के आया, 50,000 इंटू 72.90, ये आ गया मेरे बच्चे आपका 36,00,000 and 45,000, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ो सर, रुको, आगे क्यों बढ़ रहे हो? बढ़ो तो पहले, इसके बाद क्या निकल गया आपका 31 दिसंबर, मेरे बच्चे 31 दिसंबर को, 31/12/2020 को आज ईयर एंडिंग भी है और हमें इंस्टॉलमेंट भी पे करना है, तो टू बैंक अकाउंट। एक तो पहले इंटरेस्ट तो भूल ही जाओ, इंटरेस्ट की एंट्री इसमें आनी ही नहीं है सर, माना इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आनी सर, लेकिन जो लोन आपने इस रेट से दिखाया था, पेमेंट आपने ज्यादा रेट से किया, तो आपने फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस यहां पे क्यों नहीं दिखाया जैसे कि आपने यहां पे दिखाया था? दिखा सकता हूं, कोई रोक नहीं सकता, आधे नंबर में कोई काट नहीं सकता, मैं दिखा सकता हूं बच्चे, लेकिन ये अकाउंट बन रहा है, एक साल में जितने पेमेंट हुए सब करो ना, लास्ट में बैलेंसिंग फिगर से निकाल देना, क्या बार बार उसी चीज को लिखना, जब हमें पता है कि दो इंस्टॉलमेंट पे हुए हैं तो दोनों का पेमेंट का अगर रेट अलग है तो एक्सचेंज डिफरेंस दो बार आएगा, क्यों दो बार लिखूं? अकाउंट है, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लूंगा, ठीक है ना, झगड़ा नहीं करना। हाँ, अगर अलग अलग लिखोगे यहाँ पे और फिर इसका अलग, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बताओ 31/12 को फिर से आपने 50,000 जो डॉलर पे किया है, इस बार आपका रेट कितना है 31/12 को? 73.90, मेरे बच्चे 73.90 के हिसाब से बताइए कितना पेमेंट किया, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 73.9, ये अमाउंट आपका आ गया 36,00,000 and 95,000, ये अमाउंट निकल गया। 31 दिसंबर 2020 को हमने क्या किया, यहाँ पे पेमेंट कर दिया आपको इंस्टॉलमेंट, ये आपका इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद चेक करेंगे, आज ईयर एंड नहीं है, मैंने पहले कह दिया था ईयर एंड है, बट एक्चुअली ईयर एंड आपका यहाँ पे हो रहा है 31 मार्च 2021 को। ये जो पेमेंट हुआ इसका भी एक्सचेंज डिफरेंस अलग से नहीं दिखाऊंगा, मैं इकट्ठा बैलेंसिंग से निकाल दूंगा। तो मेरे बच्चे 31 मार्च 2021 को आप जरा चेक करो जो टू बैलेंस रेडी यानी कि लोन कितना बच गया, 5 लाख में 1 लाख का पेमेंट हो चुका है, 4 लाख डॉलर का अभी लोन बचा हुआ है, और आज जो आपका रेट है वो आपका 73.50 है ना, रेट आपका पहले से कुछ कम हो गया, बट एनीवे क्या फर्क पड़ता है, हमें एक्सचेंज डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। ये 4 लाख का जो अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय 73.5, ये आ गया आपका 2,94,00,000, लिखो ना, ये 2,94,00,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे बनता है। तो मुझे बताइए जरा अब आपका यहाँ पे टोटल कितना आ गया, क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आपका इन दोनों का ज्यादा और इसका कम होना, वो नेट निकल के आ जाएगा, जो कि फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट के नाम से मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा बैलेंसिंग फिगर। बताइए पहले कितना आ गया, 2,94,00,000 प्लस आपका ये कितना जी 36,95,000 और प्लस आपका 36,45,000, तो ये आपका टोटल आ रहा है 3,67,40,000 का अमाउंट आपका, ठीक है ना, यहां भी लिखिए 3,67,40,000 और इसमें से आपने माइनस किया 3,62,50,000, तो मेरे बच्चे यहाँ पे 4,90,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये इनका बढ़ना और इसका घटना बढ़ना तीनों का एडजस्ट करके अमाउंट निकल गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है यहीं पे अकाउंट ईयर एंड कर दो, 2 साल की कहानी मैंने कर दिया, काश ये 1 साल की और कहानी कहता, काश तो मैं वो भी दिखाता मेरे बच्चे, बट कुछ ऐसा है ही नहीं। 6 क्वेश्चन भी मैंने कर लिया, मैं करूं तो क्या, मुझे खास मजा नहीं आ रहा है, बट एनीवे आप कहो तो एक क्वेश्चन को और करा के फिर मैं उस नोट के ऊपर मैं आ जाऊं जो मुझे यहाँ पर लिखाना है। क्वेश्चन नंबर आप 7th पे आई जरा एक बार, 7th क्वेश्चन क्या बता रहा है, 7th क्वेश्चन ये छोड़ दो इसको अगली क्लास के लिए, जो मोटिव था वो मैंने समझा दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे क्या मुझे लिखाना है जहाँ पे आपने हाफ पेज का जगह छोड़ा हुआ है, हटाता हूं मैं इसको यहाँ पे, ये लीजिए मैं इसको मिटा दूं, और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, ये जो नोट यहां पर लिखाने वाला हो ना यहां पे आपका, कि आप जब आप
ट्रायल बैलेंस बनाते हो अंडर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एक्सचेंज डिफरेंस माना जाएगा, और वो एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा जी, तो हमारे आपका एसपीएल में। इसी पे मेरे बच्चे एक बात समझानी है, अभी आधे पेज का जो जगह है अभी छोड़ दो, जहां तक आपने लिखा ना अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, उसके बाद लिखिए एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लिखो ना सर, ये क्या है अभी लिखो, अपने आप समझ में आएगा। आप लिखिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। कहता है यहां पे आपका 15 जुलाई 2020 को कहता है कि मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम वेंडर फॉर $40,000 है ना, ये हमने मतलब जी मशीन परचेज किया किसी से ऑन क्रेडिट आपका, और कहता है कि इस दिन पे जो आपका रेट था ना वो कहता है ₹70 था पर डॉलर के हिसाब से। ठीक है, ये आपने मशीन परचेज कर लिया मेरे बच्चे। फिर कहता है कि यहां पे शो ट्रीटमेंट अंडर इनिशियल रिकॉग्निशन, या फिर सिंपली ऐसे लिखो ना आप यहां पे मेक जर्नल एंट्रीज, कहता है मेक जर्नल एंट्रीज for the year ended on 31st March 2021। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक्चुअली जो पैराग्राफ यहां पर लिखाना चाहता हूं मेरे बच्चे उसको मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं प्रैक्टिकली, ताकि लॉजिकली आप पहले उसको समझ लें फिर हम उसको लिख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ना यहां पे क्या मुझे बताइए कि जब मैं सोल्यूशन करूंगा यहां पे तो 15th जुलाई को एंट्री क्या होगा। सर आपने मशीन परचेज किया है तो एक तो मशीन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और क्योंकि अभी हमें वेंडर को पे करना है तो टू वेंडर अकाउंट, यही ना। ये सर तो मुझे बता, आपने जब मशीन परचेज किया था ये $40,000 के आपको पड़े थे और उस समय रेट कितना था 70, तो इनिशियल रिकॉर्डिंग क्या होता है कि हम उसको हिस्टोरिकल रेट पे करते हैं, ये कितना हो गया जी 28 लाख का अमाउंट, लिखो ना यहाँ पे 28 लाख, और वेंडर को भी हमें कितना पे करना है तो 40,000 इंटू आपका 70 उस डेट पे, यानी कि 28 लाख का अमाउंट। ठीक है, क्योंकि हमें पूरे साल का करना। मेरे बच्चे एक लाइन और लिख दो यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया, एक्सचेंज रेट क्वेश्चन के अंदर में लिख रहे हैं आप, एक्सचेंज रेट ऑन कहता है कि 31st March 2021, जो 70 था ना वो कहता है ₹71 पर $71 आपका हो चुका है, एक्सचेंज रेट जो आपका है वो यहां पे बढ़ के इतना हो चुका है। तो मैं 31st March 2021 को एक और एंट्री पास करूंगा, वो क्या, ये तो मेरा नॉन मॉनेटरी है मशीन, इसके अगेंस्ट किसी को पेबल रिसीवेबल नहीं है, लेकिन हाँ हमें वेंडर को पे करना है। मेरे बच्चे जो 70 के हिसाब से हमें पेबल था कब, 15 जुलाई को, अब रेट बढ़ गया है तो मैं यहां पे क्या करूंगा जी, हमें वेंडर की लायबिलिटी को बढ़ाना होगा टू वेंडर अकाउंट। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कितना बढ़ाना होगा तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना 71 रेट हो गया, 70 पे ऑलरेडी कर्ज दिखाया था तो एक रुपया और, यानी कि आपका 71 माइनस 70 यही होगा ना बच्चे, तो जरा बताओ ये कितना निकल गया 40,000। और ये जो 40,000 आपका निकल गया जो वेंडर को हमें पेमेंट करना है, ये हमारा क्या आ गया फॉरेन है ना एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट को हमने यहां पे क्या किया डेबिट किया 40,000 से, और साल के एंड में यानी कि 31st March 2021 को ये हम कहां ट्रांसफर करते हैं एसपीएल में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट या लॉस अकाउंट, कोई भी नाम दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया 40,000। यही किया ना, बोलो ना, यही काम किया, और इस काम को करके हमने नॉर्मली अपना काम पूरा किया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं,
मेरे बच्चे ये जो काम किया ना वो अभी तक का नोट के मुताबिक था, ठीक है। एक बार समराइज कर दूं, पहले इनिशियल रिकॉग्निशन अपने रेट पे, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते समय मतलब ट्रायल बैलेंस में जो मॉनेटरी आइटम्स है उसको क्लोजिंग रेट पे हमने क्लोजिंग रेट पे कर दिया, वेंडर की लायबिलिटी क्या किया जी बढ़ा दिया, क्लोजिंग रेट पे आ गया। और जो नॉन मॉनेटरी है यानी कि मशीन आपका सेम रेट पे जो हिस्टोरिकल रेट था, और फिर हमने क्या किया जो एक्सचेंज डिफरेंस आया उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया, ये हमने पढ़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन कंपनीज के लिए जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कवर्ड होते हैं, रिपीट कर रहा हूं ध्यान देना, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में जो कंपनीज कवर होते हैं उनके लिए एक ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन। पता ऑप्शन क्या था उनका? ऑप्शन था, लॉजिकल भी लगता है, याद रखना, अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म हो, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तब तो आपको यही करना है, या फिर अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में जो आपके प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन है वो बाद में पढ़ेंगे, मतलब अगर आपको कंपनीज एक्ट के रूल्स को नहीं फॉलो करना, जिन लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 के रूल आपके एक्ट को नहीं फॉलो करना उनके लिए यही चीज है मेरे बच्चे, यही करना होगा। बट जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है उनको एक और ऑप्शन दिया गया, पता क्या कहा गया कि आप चाहो ना तो ये कर लो, मतलब उनको यहां पे क्या किया गया जी, यहां पे ऑप्शन दिया गया फॉर कंपनीज, जो कंपनीज है ना उनको क्या क्या ऑप्शन दिया गया, या तो आप ये काम कर लो फर्स्ट ऑप्शन, या तो आप ये काम कर लो, और या फिर हम आपको देते हैं सेकंड ऑप्शन, आप चाहो तो ये भी काम कर सकते हो। वो सेकंड ऑप्शन क्या था, वो कहते हैं कि भैया 15 जुलाई को बताओ आपने एंट्री क्या किया। हमने कहा मशीन टू वेंडर, तो ठीक है मशीन अकाउंट डेबिटेड एंड टू वेंडर अकाउंट कितने का, 28 लाख का। तो ये आपका क्या था जी, 40,000 × 70 और यहां पे 40,000 × 70, ठीक है ना। वो कहते हैं कि 31 मार्च को 2021 को आपने जब नॉन मॉनेटरी आइटम्स, माफ कीजिए, जो मॉनेटरी आइटम्स है यानी कि वेंडर, अगर वेंडर को आपको पेमेंट करने की लायबिलिटी बढ़ जाती है कितना, तो हमने 40,000 से वेंडर को और हमें पे करना है। इसको हमने क्या किया था जी, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में ट्रांसफर किया था, कितना डेबिट 40,000। मेरे प्यारे बच्चों कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एक फायदा दिया कि देखो जी अभी तक ये जो फॉरेन एक्सचेंज था ना हम कहां ट्रांसफर करते थे, एसपीएल में। वो कहते हैं आप चाहो ना तो 31 मार्च 2021 को ये जो फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस निकल के आया है किस पे, उस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे, उस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से जो कि एसेट से जुड़ा हुआ है। अगर किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए आपने कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिया हुआ है और उस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में अगर वेरिएशन आता है ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट, तो कहते हैं कि इस वेरिएशन को आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने के बजाय आप चाहो तो अपने एसेट्स की कॉस्ट में एड कर सकते हो। मतलब ये प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर ना करके, ये प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर ना करके आप चाहो तो इट इज एडेड, आप एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, आप अपने एसेट के कॉस्ट में ही ऐड कर दो क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चे अगर ऐसा होता तो पता मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं मशीन यानी कि जिस एसेट्स को परचेज किया था मैं उसी की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, कितने से जी, ये 40,000, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दूंगा टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट है ना 40,000। सिंपली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मतलब A11 ये कहना चाहता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर में आते हो, मतलब उन्होंने जिस कंपनीज को बोला हुआ है उसके अंदर अगर आप आते हैं, तो यहां पे पता है क्या बोला गया है कि ये फॉरेन एक्सचेंज को एसपीएल में ट्रांसफर करने के साथ साथ, और या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप एसपीएल में ट्रांसफर करने के बजाय आप अपने एसेट्स की कॉस्ट को ही बढ़ा दो, और एसेट्स की कॉस्ट को बढ़ा के आप बढ़े हुए कॉस्ट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो।
बढ़े हुए एफर्ट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो इन्हीं बातों को मैं आपको लिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो जगह आपने छोड़ा था लिख लीजिए, फिर हम इसके बारे में और डिटेल में आएंगे, हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, चिंता नहीं करना। बट लिखो ना यहाँ पे, अब इन्हीं बातों को लिखेंगे आप यहाँ पे, इसके आगे लिखेंगे इम्पोर्टेंट नोट, नोट जहां पे आपने आधा पेज छोड़ा था। कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विथ नकास, NACAS, मतलब इसका फुल फॉर्म है नेशनल एडवाइजरी कमिटी, अब इसका नाम चेंज हो चुका है बट हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पे सजेशन देती है कि क्या क्या चेंज होना चाहिए जी, है ना, ब्रैकेट क्लोज, मेड एन अमेंडमेंट, मेड एन अमेंडमेंट टू एस 11, टू एस 11 इन द फॉर्म, इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज, कंपनीज ब्रैकेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट रूल 2009 एंड 2011, है ना, समय समय पर रूल चेंज करते रहते, बनाते रहते हैं, वो क्या है लेकिन पैराग्राफ चेंज करके, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कहता है कॉमा देके, एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग, अराइजिंग ऑन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, मतलब जी एक तरीके से लॉन्ग टर्म जो आपने लोन लिया हुआ है, एट रेट्स, एट रेट्स डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम दोज एट विच देवर इनिशियली रिकॉर्डेड, देवर इनिशियली recorded, they were initially recorded during the period, during the period or reported in previous, साथ साथ लिखना आपको, financial statement, जो पिछली बार लिखा गया था या फिर जो इस बार लोन लिया आपने, कॉमा इन सो फार, इन सो फार, इन सो फार एज दे रिलेट, एज दे रिलेट टू एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ, कहता है डेप्रिशिएबल, बहुत ध्यान से, डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट, डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट, डेप्रिशिएबल होना चाहिए, मतलब कोई लैंड है तो नहीं, दैट्स नॉन डेप्रिशिएबल, जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होने चाहिए, कॉमा देखे कैन बी एडेड, कैन बी एडेड का मतलब हो गया कि आपको पास ये तो ऑप्शन है, या तो ये करे या फिर ये करे, अंडरलाइन कैन बी एडेड टू और डिडक्टेड, और डिडक्टेड, और डिडक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम
द कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट एंड should be depreciated, should be depreciated over the balance life of asset, है ना बच्चे? वही काम किया, जब हम SPL में ट्रांसफर करने के बजाय assets की cost में add कर देंगे तो add किए value पर हम क्या करेंगे, depreciation charge करना शुरू करेंगे। कोई doubt नहीं सर? एक चीज और, ये तो बातें समझा दिया मैंने यहां पे, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं। नोटिफिकेशन में और क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली अब वो नोटिफिकेशन 31 मार्च 2020 के बाद उसका कोई वैलिडेशन रहेगा नहीं, बट क्योंकि अभी लिखा हुआ है इसमें तो मेरा बताना फर्ज बनता है। कहते हैं इसी के आगे में, एंड इन अदर केसेज इसके आगे लिख रहे हैं आप पैराग्राफ चेंज करके, can be accumulated in the FCM, capital word है MITD, सर ये क्या है, फुल फॉर्म लिखिए, foreign currency monetary item foreign currency monetary item translation reserve for a difference bracket closed and should be written off over the useful life of the asset। सर मतलब लिखो तो पहले आप सब एक ही बार में समझा दूं, बट कहता है बट नॉट बियॉन्ड, ओहो मतलब ये ऑप्शन इसके आगे नहीं जाएगा 31 मार्च 2020। तो मेरे बच्चे 31 मार्च 2020 के बाद नहीं तो आप ये एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट फिर भी फुल स्टॉप एंड सॉरी कॉमा देखे एंड amortized over the balance period of such long term asset or liability by recognizing as income or expense। ये क्या है, अगली क्लास का टॉपिक है, आप लिख लीजिए पहले यहाँ पे, पहले ये क्लियर होना चाहिए था आपको। मैंने एक्चुअली ये अब ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहा क्योंकि 31 मार्च 2020 को इसको फॉलो होना ही नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। हाँ सर, ये एक वर्ड लिखा था आपने, डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट्स, ये क्या होते हैं, एक नोट लिख दो आप यहाँ पे, दो वर्ड था ये तो आप जानते हैं यार, जिसपे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मतलब, और एक आपका कुछ है नहीं। हाँ एक वर्ड था यहाँ पे, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, मतलब एक्चुअली ये क्या है, तो जो लोन आपने लिया है ये एक्चुअली आपका है लोन टेकन फॉर पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, है ना, जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए आपका है ना 12 मंथ्स, वो आपका होगा लोन टेकन फॉर पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, कब से, फ्रॉम डेट ऑफ एसेट परचेज्ड, जब आपने एसेट परचेज किया था उस समय से जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए होगा उसको हम लॉन्ग टर्म डालते हैं। तो बस इतनी बात है। आज मेरे बच्चे हमने क्या किया, बहुत प्रॉपर तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते हैं उनका अकाउंटिंग कैसे होगा,
इनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया। अभी हमने जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं इनके ऊपर में भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं अगली क्लास में यहीं से शुरुआत करूंगा, इनके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत कराऊंगा कि क्या क्या एग्जाम में आता है, कैसे कैसे आ सकता है। फिर अभी नॉन इंटेग्रल ऑपरेशन में हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी, इंटेग्रल में कैसे होगी, बहुत आसानी से खत्म करेंगे। चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है यहां तक हमें प्रॉपर तरीके समझ में आना चाहिए। आज की क्लास यहीं पे, अगली क्लास में मिलूंगा, यहीं से कहानी की शुरुआत करूंगा, यहीं से। तो आप इसको लिख लेना, मेरे पास से लिखा हुआ है, हम इसके साथ ही आगे कहानी को बढ़ाएंगे। अभी आप मस्ती कीजिए, खूब सारी मस्ती कीजिए, जितना करना कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसका कंटिन्यू करने के लिए। आप सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।